का शुभारंभ हमारे आदरणीय संत श्री शिवेंद्र शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे सर्वद्ध प्रार्थना कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से प्रवचन और भजन सुनाएं। माधव बोले सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भोला साहेब की। परम मंदिरी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, कार्यक्रम के आरंभ में विचार रखने के पूर्व एक भजन प्रस्तुत आप लोग के बीच करार रख रहा हूँ। आप सब शांत रहें। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ संगीत पर बजाना, मैं ऐसे ही गाता हूँ। संगीत के बारे में आए मैं फटक जाऊंगा। हाँ ठीक है, संगीत बजाएगा। संगीत में तो संगीत वाले गाने चले जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जब से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। तब आएगा धन दौलत सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन बचपन तेरा बीत गया यार, जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता, एक नदिया का पानी है। बचपन तेरा बीत गया यार, जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता, एक नदिया का पानी है।
तो क्या ये मकान बच पाता है?
और धन ना होते तो क्या आप लोग को यहाँ सत्संग के लिए निमंत्रण कर पाते? धन की आवश्यकता तो है, धन के बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन धन हम ईमानदारी पूर्वक कमाएं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक यदि काम करके जो धन हमें मिलता है उसमें हम संतोष होते हैं तो उस धन में सुख मिलता है। और यदि हम बेईमानी पूर्वक काम करने लग जाए, किसी को ठगे, किसी को चोरी करे, तो क्या वो धन हमें सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम पहली बात तो सुख पाना चाहते हैं, किसी ने सुख मान लिया, हमने धन में सुख मान लिया, लेकिन देखिए बड़े बड़े धनपति लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों हजारों रुपया है उनके पास, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो संतों के पास जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि संत जी मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं दुनिया को भी खरीद सकता हूँ, इतनी संपत्ति मेरे पास है, लेकिन सुख कहीं नहीं है मेरे जीवन में। यदि सुख कहीं बाजार में मिलता, कहीं दुकान में बिकता, तो आज सेठों के यहाँ सुखी सुख होता, पैसा वाला के पास वो खरीद करके सुखी हो जाते हैं, लेकिन जिस सुख की बात हम करते हैं उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन हम ऐसे माने हुए हैं, मान लिया कि धन में सुख है, धन हमें सुविधा दे सकते हैं, मकान हम अच्छे बना सकते हैं, गाड़ी हम अच्छी खरीद सकते हैं, घर को एयर कंडीशन बना सकते हैं, सुविधाएं तो हमें मिल सकती हैं, लेकिन सुख और सुविधाएं ये अलग अलग दो बातें हैं। सुख हमें संतोष से मिलेगा, यदि हम जो चीज हमारे पास है, यदि हम दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के मकान को देख करके, दूसरे के गाड़ी को देख करके यदि हम ईर्ष्या करते हैं तो हमें संतोष ही नहीं है, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? तो सदगुरु कभी कहते जी खोजत, हम क्या खोज रहे हैं? सुख को खोज रहे हैं, कहीं हम धन में सुख खोज रहे हैं तो कहीं हम मकान में सुख खोज रहे हैं। जो प्राणी और पदार्थ दो चीज है, क्या है? एक पदार्थ जो धन के रूप में हमारे पास, मकान के रूप में है, गाड़ी, जो जितनी सुविधाएं हम उपयोग करते हैं वो क्या है? पदार्थ। इन पदार्थों में सुख ढूंढते हैं और खाने पीने में सुख ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने में सुख ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना के, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मिठाई बना करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये क्या है? पदार्थ। पदार्थ से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये क्या है? हमें सुविधाएं मिल सकती है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो जिस सुख की हम बात करते हैं वो पदार्थों से नहीं हो सकता है। जब हम पदार्थों से सुख की अपेक्षा करके जब थक जाते हैं तो हम प्राणियों से अपेक्षा करते हैं। क्या है? दोनों साधन हमारे पास सुख प्राप्त करने के लिए मानते माने हुए क्या? प्राणी और पदार्थ। जब हम पदार्थों से जब हम उब जाते हैं, पदार्थों से जब हम ठंडा देने तब क्या करते हैं? प्राणियों में सुख ढूंढते। किस प्राणियों में? मतलब जो हमारे आस पास लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पति है, इसमें क्या हम क्या मानते हैं? सुख माने लग जाते हैं। काश हमारे पत्नी हमारे अनुकूल होता, काश हमारे पति हमारे अनुकूल होता, बेटे मेरे हम हमारे अनुकूल होता, हम क्या मानते हैं? उसमें सुख ढूंढने लग जाते हैं, लगते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा जो बेटा है हमारी सेवा करेंगे। क्या है? सुख की इच्छा अपेक्षा रखते हैं, पत्नी से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन प्राणी और पदार्थ इन दोनों में यदि हम व्यवहार करते हैं तो दोनों की वे अलग अलग है। पदार्थ का उपयोग करते हैं, कोई भी वस्तु को उपयोग करते हैं तो पदार्थ का तो निर्जी होता है, उसे आप तोड़े फोड़े कुछ भी करें उसको उपयोग करें आप, पदार्थ क्या होता है? जड़ होता है, वो वहां से कोई आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती। लेकिन प्राणियों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, प्राणियों के हम सुख ढूंढते, क्या करते हैं? हम परिवार बढ़ाते हैं,
पत्नी में सुख है, हम मान लेते हैं, कभी आज शादी करते हैं, उनके साथ रहते हैं। बच्चे में सुख मानने लग जाते हैं तो परिवार बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। यदि हम परिवार में रह करके आपसी प्रेम से न रहे, एक दूसरे का सम्मान न करें, एक दूसरे से प्रेम न करें, तो क्या उससे हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है? सुख तो है परिवार, यदि पत्नी अच्छे रहेंगी, अच्छे व्यवहार करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हम शांति से घर में रह पाएंगे। मैं उन्हें उदाहरण दूंगा आप लोगों के पास कैसे सुख और सम्मान होना चाहिए। एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे साथ रहते थे, तो पत्नी से हम क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं, भोजन भी चाहते हैं तो क्या सम्मान चाहते हैं हम? पति से सम्मान चाहते हैं, पत्नी से दोनों से दूसरे सम्मान चाहते हैं, लेकिन यदि हम सम्मान ही कर एक दूसरे को तो फिर क्या हमें सम्मान मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। दिन की घटना है, पति कहीं व्यवहार में गया था, नौकरी करने गया था। अब वो जब वो व्यापार से नौकरी करके बाहर से आए, थके माने थे, भूखे थे, प्यासे थे, घर में आए बैठे, अब पत्नी कहने लगे, पति से कहने कि मुझे बहुत भूख लगी, प्यास लगी, मुझे पानी और भोजन दे। पत्नी ने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो पति ने कहा मुझे ठीक है, प्रेम करती हूँ, ठीक बात है, लेकिन मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। पत्नी फिर कहती है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। एक बार कहा, दो बार कहा, पति ने थोड़ा सा कहा, भाई मुझे भूख लगी है, आपको प्रेम को रहने दो, मुझे आप भोजन दो। पत्नी ने कहा, पत्नी ने सोचा ठीक है, उन्हें भी गया एक थाली में दाल भात रोटी सब्जी सजा के लाया और क्या किया, वही दूर से पटक करके दे दिया और लेख खा। तो पत्नी के ऐसे जो व्यवहार देख करके क्या वो पति जो भोजन परोसी, पत्नी की जो भोजन परोसी भोजन को क्या उसे सम्मान पूर्वक नहीं मिला तो उसका उसका भोजन भूख मिट जाएगा? भोजन भी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? सम्मान पूर्वक चाहिए। यदि प्रेम ना हो जो भोजन में, जिस प्रेम जिस भोजन में प्रेम ना हो वो भोजन हमें, उस भोजन से हमें भूख नहीं मिटा सकते। तो हमें क्या, जो घर के लोग है, परिवार के लोग है, उनसे क्या है? प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। सदगुरु कवि ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही उपजे, शीश देई ले जाए। सदगुरु कवि यहाँ कहते हैं कि प्रेम न, प्रेम कहीं बाड़ी में उपजता नहीं, खेत में उगाया नहीं जा सकता। आप खेत में फसल लगाते हैं, धान की फसल, गेहूं की फसल, तो फसल लगा देते हैं तो बीज लग बीज डालते हैं, तो बीज डालने के बाद फसल होता है, उसे निराई गुड़ाई निराई सिंचाई सब करते हैं, ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। लेकिन हम ये सोचे प्रेम वही कहाँ, प्रेम के बीज को हम लगाए कहाँ? कहते हैं जो आप देते हैं ना, जो आप दूसरे को देते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। हमने प्रेम के बीज को कहाँ लगाए? दूसरे के दिलों पर। यदि हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो सामने वाले भी हमारे हमको सम्मान देंगे। दूसरे को यदि हम प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं, तो सामने वाले भी हमें प्रेम। यदि हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति को निंदा करें, गाली दें, तो क्या सामने वाले हमें सम्मान देंगे? क्या हमें वो गाली देंगे? सदगुरु कबीर ने कहा, आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक, कहे कभी न उलट गए वही एक ही। यदि आप उस गाली के बदले में प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें उससे हम बच जाएंगे। तो प्रेम चाहिए हमें सबसे। यदि हम किसी को ही प्रेम ना करते हैं तो क्या हमें प्रेम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है? हम प्रेम बांटे, सम्मान दे एक दूसरे को। यदि हम सम्मान करेंगे, दूसरे को प्रेम देंगे, तो वही हमको लौट करके मिलेगा। तो उसमें कह रहा था सतगुरु कबीर के साखी कि जय खोजत कल को गया घटी माए समूह। सतगुरु कबीर कहते हैं जिस चीज को आप, जिस सुख को
जिस परम तत्व को आप पाना चाहते हैं, जिस आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहते हो, क्या है? घट में ही है तुम्हारे, बाहर नहीं है। सद्गुरु कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढने में बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, वो तो घट में ही है, लेकिन हम ढूंढ पा रहे हैं बाहर। पानी सद्गुरु कबीर ने भजन में कहा, पानी के बीच प्यासी वही सुन सुनी आवत हासी। क्या सद्गुरु कबीर ने मछली को कहा है? सद्गुरु कबीर, क्या मछली पानी में रहकर प्यासी रहेगी? वो हमें संकेत करते हैं, हम जैसे को हम सुख के सागर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी बने हुए हैं। किस कारण से? हमारे अज्ञान का ही कारण, लोभ के कारण। हम उस लोभ को, उस अज्ञानता को मिटाए तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। पानी में भी प्यासी आवत हासी, लेकिन हम एक दूसरे, हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। सुख के सागर में हम बैठे हुए हैं, फिर भी हम दुखी बने हुए हैं। हमारे अंदर वो सुख है, वो सुख हमारे अंदर है, और हम बाहर ढूंढते हैं, कहीं मंदिर में ढूंढते हैं, कहीं तीर्थों में ढूंढते हैं। मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं कि हे भगवान मुझे सुखी कर दो, हे भगवान मुझे धनवान बना दो। कहीं तीर्थों में स्नान करके हम सुखी होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से जो हम गंगा आदि नदियों में स्नान करके हम अपने मन को पवित्र नहीं बना सकते। गंगा आदि स्नान नदियों में स्नान करने से केवल हमारा शरीर धुलता है, हमारा शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन गंदगी कहाँ है? मैल कहाँ है? वो हमारे मन में है। तो मन का मैल तो कैसे धुलेगा? मन का मैल तो ज्ञान से धुलेगा, ज्ञान की गंगा से, ज्ञान के साबुन से। और कहाँ मिलेगा? संतों के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सज्जनों के पास जाएंगे। तीर्थों में स्नान करने से केवल हमारा शरीर धुलेगा, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारा मन का मैल धुलेगा। तो हम सत्संग में जाए, सज्जनों के पास जाए, उनके पास ज्ञान की चर्चा सुने और उस ज्ञान की बातों को लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। हम बाहर तो बहुत ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत जाती है, ये उम्र चली जाती है, लेकिन वो हम नहीं ढूंढ पाते। ऐसे ज्ञानी के पास जाए, ऐसे गुरुजनों के पास जाए जिन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया है, जिन्होंने अपने अज्ञानता को दूर कर लिया, अपने मन को निर्मल बना लिया है। ऐसे संतों के पास यदि हम जाते हैं, ऐसे गुरुजनों के पास हम जाते हैं, तो उनके ज्ञान मात्र से हमारे अज्ञान के पर्दा टूट जाता है, छूट जाता है, तभी तो हम ज्ञानी बनेंगे। हम यदि हम वकील बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, तो किसके पास जाएंगे? इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर के पास जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हम आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे गुरुजनों के पास जाएं जिन्होंने अपने आप को बंधनों से छुड़ा लिया है, जिन्होंने अपने आप को निर्मल बना लिया है। ऐसे ज्ञानी मुक्त पुरुषों के पास जाके उनके पास बैठने मात्र से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम ज्ञानी के पास जाए जो हमें बंधनों में बांधने वालों के पास जाए, इस संसार में बांधने वाले बहुत हैं, बंधनों में बांधने वाले बहुत हैं, और हम बनते चले जा रहे हैं, कहीं लोग में, कहीं लोग में, कहीं लोग में, कहीं लोग में, कहीं ना कहीं हम बनते चले जा रहे हैं, लेकिन छुड़ाने वाला हमें नहीं मिल पा रहा। हम खोजे, हम ढूंढे और ढूंढ करके उन गुरुजनों संतों के पास जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। और यदि हम न ढूंढे और ऐसे ज्ञानी लोग के बीच में पड़े रहेंगे, तो हमारा जीवन तो बिगड़े गलत हो गई होगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। हमारे साथ में हमारे परिवार के, हमारे साथ रहने वाले लोगों के जीवन
भी बिगड़ सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को बुजुर्गों के पास समर्पित करें, उनके ज्ञान के बातों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का काम करें। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। संत समान की जय। भक्त समान की जय। जय पुराने वालों की जय और नहीं पुराने वालों की जय। समाज के सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे आत्म बंधुओं, ममता मई माताओं एवं बहनों, सत्संग हो या भजन, जब हम एकाग्र मन से सुनते हैं, जैसे हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई करने जाते थे, तो कोई सर हो या मैम हो बच्चों को पढ़ाए और बच्चे कहीं दाएं देखे बाएं देखे तो पढ़ाने वाले टीचर को मजे नहीं आता। इसलिए पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सुनाने वाले सुनने वाले का जब फेस टू फेस मिलता है तो कहने सुनने में मजा आता है। इसलिए ये बेशकीमती क्षण इतना सुंदर अवसर है इस सत्संग और भजन को हम लोग ध्यान से श्रवण करें तो मजा आता है। तो आइए मैं आप लोगों के बीच कुछ देर, आज का मेरा विषय है सोच पर। जैसे हम जिस मकान के दूसरे तल्ले पर हम लोग बैठे हुए हैं और मकान कई मंजिलों की होती है, वो कई मंजिला मकान को टिकता कब है, जब उसकी नींव मजबूत होती है। आप लोग मुंबई गए होंगे बड़े बड़े शहरों में सिटी में, तो देखेंगे कई तल्ले की मकान होती है और वो कई तरह के मकान टिका रहता है उसकी नींव पर। ऐसे ही हमारी जिंदगी की नींव, ध्यान से सुने बोले सतगुरुदेव की जय, जिंदगी की नींव हमारी सोच पर है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जिन बातों को आप बार बार सोचते हैं वही आप होते हैं और आपके जीवन के व्यवहारों में वही बात होता है। आइए थोड़ा छोटा सा एग्जांपल से समझें। जैसे आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन सबकी जेब पर है, नहीं होगा किसी के जेब पर तो कम से कम बटन वाले मोबाइल है। सब आप लोग मोबाइल रखे हैं, साथ साथ अपने अपने मोबाइल पर मेमोरी कार्ड भी लगाए हुए हैं। तो जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अपने हिसाब से पुराने जमाने के गीत संगीत सुनते हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, और आज के जो लेटेस्ट वर्जन के लोग हैं, आज के जनरेशन के लोग हैं, आजकल के जमाने के गीत टच भी सुनते हैं। और जो भक्ति संगीत वाले हैं वो भक्ति संगीत और वो उनकी मर्जी। जैसे हम सुबह से चालू किए एक भजन सुनना, क्या भजन सुन रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, किसका भजन है, मीरा बाई का भजन। वो भजन आप अपने मोबाइल पर सुन रहे हैं, क्या भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। सुबह से सुनते सुनते आपको शाम हो गई वही वही भजन। अब खुदा ना खास्ता आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ध्यान से सुनते रहे, आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तब आप क्या भजन गुनगुनाएंगे, क्या गुनगुनाएंगे, मेरे अंदर में क्या गुनगुनाएंगे, आप वही गुनगुनाएंगे जो भजन सुन रहे हैं। वैसे ही
चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वही बातें हमारे वाणी से निकलती है। कई बार हम सुनते हैं, वो हमारे जीवन में भी घटना घटती है, हम लोग सोचते हैं कि अरे यार बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय। हाँ चलिए आइए। कई बार होता क्या है कि हम लोग बोलते बोलते किसी के लिए जो शब्द का जो वर्ड का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए उन शब्दों को हमारी मुख से हम बोल देते, किसी को भी बोल तो देते हैं, उसके बाद हम विचार करते हैं कि अरे यार मेरे मुख से वो बातें कैसे निकल गई, मैं कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों की जिंदगी में सबके में होता कि मैं उसका सोचा नहीं था, पता नहीं अचानक मेरे मुख से वो बातें कैसे निकल गई। ऐसा नहीं होता है, अचानक नहीं होता है कि इन्हीं बहनों के गोदरेज में रानी हाथ नहीं रखा है और वो उस गोदरेज में रानी हाथ ढूंढे तो उसके गोदरेज से, उसकी अलमारी से रानी हाथ नहीं निकल सकते। जैसे एग्जाम्पल के जैसे हम नौमी भाई के घर में सबसे पहले आए तो हम लोग श्री विजय जी के यहाँ उनके उधर बस्ती में कुछ घंटे बाद हम लोग उनके चार पहिया गाड़ी से यहाँ आए। जैसे ही हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया कमरा में घुसा तो नौमी भाई के यहाँ लगी हुई टोटियों को मैंने घुमाया तो वहां से पानी निकला। यहाँ बैठे कोई घुमाए कि घुमाए टोटी तो उस टोटी से पानी निकला। उस टोटी से पानी क्यों निकला बताओ? क्योंकि उसकी टंकी में पानी भरा होता है। उस टंकी में यदि चाय होती, कॉफी होता तो वही निकलता, लेकिन नहीं, उस टोटी में क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। वैसे ही हमारे हृदय की टंकी में हमारे अंदर जो विचार जो भावनाएं भरी होती है वही हमारे मुख से निकलता है। इसलिए आप अच्छा विचार करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। जो हम इनपुट करते हैं, जो मोबाइल और कंप्यूटर चलाते हैं जानते हैं, जो हम इनपुट करते हैं वही आउटपुट होता है। जो आप अंदर करते हो वही बाहर होता है। आपके जीवन में विचार कैसे चल रहा है, आप कैसे चिंतन करते हैं, आपकी मन की भावनाएं कैसी है, ये बड़ी महत्व की बात है। अब हम लोग अपने जीवन में सब लोग सुख शांति चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई कल्पना और चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। देखिए हम लोग इतने लोग दूसरे तल्ले की छत के नीचे बैठे हुए हैं। आप लोग अपने घरों से सोचते नौमी भाई के घर पहुंच जाऊं सिर्फ सोचते कि आप पहुंच जाते तो कैसे करें? कोई पैदल चला, कोई बाइक से चला, कोई चार फोर व्हीलर से चला, चलकर आप लोग आए। वैसे हर आदमी अपने जीवन में सुख और शांति की बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। मेरे जीवन में सुख से बीते, अमन चैन का साम्राज्य हो, मुझे किसी प्रकार का दुख ना हो, ये आपकी सोच और आपकी भावनाएं अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। देखो साधारण हम खेती किसानी करते हैं तो आप भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहिए, रोज अगरबत्ती धूप 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 दीप धूप जलाते रहिए, आपके खेत में धान और सरसों की फसल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। उसके लिए आपको हल बैल ट्रैक्टर लेकर उन्नत किस्म की बीज लेकर खेत में जाकर आप मेहनत और मशक्कत करते हैं, तब कहीं जाकर अच्छी पैदावार होगी। ये बाहरी चीज है। तो वैसे ही अपने जीवन में सुखद घटना चाहते हैं, अच्छी परिस्थिति चाहते हैं, तो आप
अपनी सोच बदले, विचारों को बदले, भावनाओं को बदले। हम सुख चाहते अपने जीवन में तो दूसरों को भी सुख दें, दूसरों से सम्मान चाहते तो सम्मान देना सीखे। ये दुनिया विनिमय का अदला बदली, जो आप देते हो वही आपको लौट कर मिलता है। जैसे आप अपने खेत में धान की फसल लगाए, धान का बीजारोपण करें, तो जब फसल होगी, काटने का समय आएगा तो आप गेहूं नहीं काटोगे। गुरु कबीर की भाषा में कहूं, कबीर कमाई आपनी, इस सब लोग याद रख लेना, इस साखी को बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम का। लेकिन हम लोग कर क्या है, बबूल का पेड़ बोकर चाहते कि बबूल में आम का फल लगे, ऐसा कहीं नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन में भी वही कर रहे हैं, बबूल का पेड़ जाकर कांटे बोकर जीवन में हम शांति चाहते, ऐसा नहीं होता। जीवन को सुखद और शांति बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सूत्र है कि आप दूसरों को सुख दीजिए, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखें। जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा जब दूसरों के लिए करते हैं, तब आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबका फेस, आप सबका चेहरा मेरे तरफ है। कोई व्यक्ति पीछे से, जितने लोग बैठे हो आपके पीछे से कोई व्यक्ति आकर आपको गुदगुदाए तो आपको क्या आएगी, कोई आपको गुदगुदाए तो आपको क्या आएगी, आप लोग बस पूछना बताइए। नहीं जान समझ पा रहे गुदगुदाना, आपको गुदगुदाएंगे। जब कोई आदमी ऐसे गुदगुदाता है तो हंसी आ जाती है, और खुदा न खास्ता आप यहां से उठें, ऐसा आपकी जिंदगी में ना कोई एग्जांपल है। आप चलते चलते आपके पैर में एक कील चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो आप क्या महसूस करेंगे, आपको पीड़ा होगी, दर्द महसूस होता है। ऐसे ही हमारे जो गलत कर्म होते हैं, हमारी जो बेढंगी चाल होती है, वो हमें कांटों की तरह चुभता है, और हमारी जो अच्छे कर्म होते हैं वो गुदगुदाता है। जब हम अच्छा काम करते हैं, किसी के मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किन्हीं दुन दुखियों को कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं, तो स्वाभाविक मन में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता की तरंग उठती है, प्रसन्नता के सुख और शांति के ज्वार फांटे होते हैं। तो जिंदगी में जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो स्वाभाविक मन में प्रसन्नता होती है। आप लोग अपनी जिंदगी को इस कदर जिए कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों में आपको पश्चाताप न करना पड़े। वो सौभाग्यशाली है जिनके छत्र छाया उसके माता पिता आज हैं, उनके छत्र छाया में जो पल रहे हैं, जब तक माँ और बाप रहते तब तक माता पिता की कीमत पता नहीं चलता। जिस दिन माता पिता की छाया सर से जब उठ जाता है, तब समझ में आता है कि माता पिता क्या चीज थे। अक्सर होता है, ये कहावत कहते ना, घर की मुर्गी दाल दाल। जब तक हम समझ में नहीं आता, किसी ने कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने की कठिन आया, जब बुझ गई समा तो माफी में लगा, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग। तो जीवन की कीमत समझे। स्वभाग्यशाली हम लोग कि स्वस्थ हैं, सारी इंद्रियां अच्छी है, आंखों से संतों के दर्शन कर पा रहे हो, हाथों से सेवा कर पा रहे हो। पूछो उन लोगों से जिसकी आंखें नहीं है, अपने माता पिता को नहीं देख पा रहे हैं, संतों को नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे के विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं। देखना आपके ग्वालियर शहर में कैसे पागल लोग हैं, जो नंग धड़ंग गंदे नाली के पानी पी रहे हैं,
इतनी कड़कड़ाती हुई ठंडी में जैसे तैसे सो रहे हैं और हम लोग स्वस्थ शरीर पाए, सारी इंद्रियां अच्छी है, फिर भी हमारे पास समझ नहीं है। समझ को बढ़ाएं, अपने विचारों को अच्छा रखें, सबके लिए हित भावना रखें। कई लोग कहते हैं क्या करें महाराज, हम भी चाहते हैं दूसरे की सेवा करें, मेरा भंडारा करें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, इतना बजट नहीं है। सेवा के कई साधन होते हैं। आप अच्छे विचारों से दूसरे की सेवा करें, दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। जब हम अच्छा सोचने लगते हैं तो स्वाभाविक हमारे साथ भी अच्छा होने लगता है। जो आप पहले होता क्या है, हम किसी के पास जाते हैं तो पहले से सोचते हैं कि वो हमें क्या समझेगा, क्या करेगा। या कई बार होता क्या है, दूसरे जिसके सामने हम खड़े हैं उसके लिए हमारे मन में गंदे विचार होते हैं, और हमारे मन का जो गंदा विचार है सामने वाले के लिए, उसी का वाइब्रेट वो दूसरों तक पहुंचता है, फिर सामने वाले का मन भी खराब हो जाता है। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। हमारा मन हमेशा निगेटिव, जो घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घटी है उन बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं। अब खेती बाड़ी अच्छी चल रही है, फसल अच्छी हो रही है, जीवन मस्त आलेशान चल रहा है, अब हम सोच रहे हैं इस बार कहीं बारिश नहीं होगी, फसल सूख जाएगी, तब हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। एक सोच कल्पना की उड़ान में हमारा मन कैसे उड़ता है। अब हम अच्छे खासे व्यापार हैं, दुकान अच्छी चल रही है, अब सोच रहे हैं दुकान कहीं बैठ जाएगी तो कैसे होगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा। हुआ नहीं, आप सोच सोच कर सबसे ज्यादा दुखी हम हैं, निरर्थक सोच सोच कर, व्यर्थ की हम बोझ लादते हैं अपने ऊपर। जैसे कोई आदमी पैदल चल रहा हो और उसके सर पर 50 किलो का बोझ लगा है, फिर उसकी चाल में कुछ अंतर पड़ जाता है। आदमी जब बोझ लादे रहता है तो आदमी सोचता है घर पर कब पहुंचूं, या जाना जहां जाना है वहां कब पहुंचूं। कितने लोग बीच में ही पटक देते हैं, बीच में ही बोझा उतार देते हैं, और जब बोझा जब सर से उतर जाता है तो कितना हल्का रिलैक्स महसूस होता है। ऐसे ही हम गंदे विचारों के, गंदे सोच के बोझ की तरह दबे हुए हैं। जो घटनाएं नहीं घटी है उनको सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। एक व्यक्ति था, पति और पत्नी ऐसे ही अपने रूम पर आराम कर रहे थे। रूम में उसका पति उसकी पत्नी से कहता है, अरे सुनते हो जी, जो लड़का है उसको मैं वकील बनाऊंगा। कौन कहता है? उसको पति कहता है। उसकी पत्नी कहती है, नहीं जी, उस लड़के को डॉक्टर बनाएंगे। उसका पति कहता है कि तुम समझते हैं कैसी मूर्ख स्त्री हो, अरे आज ही ऐसी अदालत चलते रहता है, मैं जाता हूं अदालत में, न जाने कितने पैसे फीस पे वकील खा जाते हैं, अरे लड़के वकील हो जाएंगे तो कुछ पैसा बच जाएंगे। उसकी पत्नी कहती कि तुम समझते नहीं हो कैसे बुद्धू हो, अरे आए दिन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर की बीमारी है मुझे, डॉक्टर के पास जाते हैं हजार रुपया की फीस जाती है, दवाई मेडिकल से अलग खरीदते हैं, अरे बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो बहुत पैसा बच जाएंगे। ऐसे कहते कहते दोनों के बीच लड़ाई हो गई। उसका पति कहता है वकील बनाएंगे, पत्नी कहती है डॉक्टर बनाएंगे। बगल वाले पड़ोसी भाई सुना क्या रे, सुबह सुबह राम राम के समय दोनों के बीच किस बात की लड़ाई चल रही है। वो आया उसके घर में, पूछता है कि भाई साहब, बहन जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तो वो वकील कहता है, वो उसके उसका पति कहता है,
कि अरे भाई साहब मैं अपने लड़के को वकील बनाना चाहता हूँ, ये मानती नहीं। उस बहन जी से पूछे तो कहते कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो जो पड़ोसी भाई रहा था उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग लड़ते क्यों हैं, डॉक्टर अपने बेटे से पूछ लो बनेगा क्या। तो दोनों एक साथ कहते कि भाई साहब लड़के तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो वैसे ही हमारे पास समस्या आई ही नहीं है, हम पहले से जूझ रहे हैं, उसके बहुत सारे दबे हुए। जब जैसी समस्या आती है उससे निपट लिया जाए, जहां समस्या वही समाधान है। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका कोई समाधान ना हो। अब आपकी समस्या ही काल्पनिक है, आपकी समस्या ही आपकी सोच से पैदा हुई है, तो उसका समाधान वो ही कहां से आता है। तो जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सोच रखें। आप जब हमारी सोच अच्छी होती है, हमारा विचार अच्छा होता है, हमारी भावनाएं जब अच्छी होती है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। और आप सोच रहे हैं इधर उधर की उलू जुलू की बातें, कितने लोग भोजन करते हैं, कितने भाई लोग हम लोग भी भोजन करने बैठे हैं, एक थाली भात हम गटक गए, घर की धर्म पत्नी या बेटी पूछती है कि भाई साहब भैया जी या पतिदेव सब्जी में नमक कैसे है। बोले सतगुरुदेव की एक थाली भात हम खा लिए हैं, डबल ले रहे हो, घर में धर्म पत्नी या हमारी बहन भाभी पूछते हैं कि सब्जी में नमक कैसे है। तब हम लोग क्या कहते हैं, रुको थोड़ा सा लोग तब बताता हूं। इतने सारे भात साधन खा लिए रहते हैं फिर भी हमको पता नहीं चलता, क्योंकि जो हम खाते हैं पीते हैं वो होश पूर्वक नहीं खाते, ऐसे ही हम खा जाते हैं। इसलिए जो खाते हो पीते हो वो सोच समझ कर खाए। कि आज हम देखते हैं आज के इस युग में, आज हम अपने आप को आधुनिक समझते हैं, हम देखते हैं मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो अपने प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए शेर के सामने आप हरी हरी घास रख दीजिए, शेर घास को खाएगा कि नहीं खाएगा, आप लोग उसको सुनो, मस्त हरी हरी कोमल कोमल घास रख दिए, शेर उस मांस को कभी नहीं खाएगा। शेर एक बार देखता है मनुष्य के अलावा जितने चार पावा जानवर हैं वो देखकर और सुनकर, देखकर और सुनकर जान जाता है कि मेरा आहार है कि नहीं। शेर मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खा सकता। और गाय के सामने आप, बैल के सामने आप मांस रख दीजिए, वो भी मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है जिसके सामने कोई चीज नहीं पड़ता, सब कुछ सफाज है, वो शराब भी पिएगा मांस भी खाएगा, और मांस में क्या क्या नहीं खाते। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे आप अन्न खाते हो वैसा आपका मन बनता है। तामसिक भोजन करके आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति कभी आ नहीं सकती। आप मनुष्य, मनुष्य के लिए प्रकृति की कितना बड़ा वरदान है, हर मौसम पर फल और कितने अच्छे अच्छे फल है आप देखेंगे। आप लोग आप सब्जी की मंडी पर जाइए, जब देखते हैं मटर टमाटर हरी हरी धनिया मिर्च फूलगोभी नावल मूल अनेक प्रकार के, जब आप फलों को देखते हैं तो मन भर जाता है कि
कितना आनंद आता। जब आप मांस जिधर करता हो, मांस के बाजारों पे जाएंगे, खाने वाले भी ऐसे नाक को दबा कर चलते हैं, मन की भावनाएं बदल जाती। इसीलिए हम मनुष्य अपनी मनुष्यता को जागृत करें। सिर्फ आप खोल में आकृति में मनुष्य हैं, देखने में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन मनुष्यता की कमी है। ये भारत देश अत्यंत पूरा काल से ऋषि प्रस्तुता रही है। इस भारत की उर्वर भूखंड पर अनेकों ऋषि मुनि संत महर्षि का जन्म हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे भारत की पावन भूमि पर हम लोग पल बढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये महान भारत देश कहने वाले भारत देशों में आज कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। एक दिन कभी समाचार पत्र या अखबार ऐसा नहीं है, न्यूज ऐसा नहीं है जिसमें मां बहनों की बलात्कार की घटनाएं ना। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कोई शैतान नहीं है, हम और आप सभी का मनुष्य। आदमी अपनी मनुष्यता से दूर हटता जा रहा है। आज जो भी हमारे इस देश की धरती में घटना घट रही है, उन सारे घटनाओं को अंजाम देने वाले हम और आप सभी के लोग हैं। आदमी अपनी प्रकृति से, अपनी मनुष्यता से हटता जा रहा है। और क्या क्या कुकर्मी हो रहा है, और इस घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग राक्षस नहीं तौर पर, ये चोरी हिंसा व्यभिचार की घटनाओं को अंजाम देने वाले, जो अपनी माता बहनों की कभी इज्जत करना ही नहीं जानता है, वही व्यक्ति इस कुकर्म के घटनाओं को अंजाम देता है। इसलिए मां बहनों को चाहिए, हमारी माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे। आज जो भी इस देश में गलत हो रहा है, चाहे वो लड़की करे, लड़का करे, पुरुष करे या स्त्री करे, ये उनको संस्कारों की कमी की वजह से है। उनके माता पिता उन बच्चों को, उन आदमी को ऐसा संस्कार नहीं किया, इस कारण से आज वो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसलिए जो माता है और पिता है, अपने बच्चों को अच्छी सीख दी। आप अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉपर्टी, कितना फिक्स डिपॉजिट, कितना बैंक बैलेंस करते हैं, ये तो कम महत्व की चीज है। आप अपने घर के बच्चों को अच्छा संस्कार दे, ताकि आपका दिया हुआ संस्कार आपके बच्चे, आपका दिया हुआ संस्कार आपके बुढ़ापे की लाठी रहे। आज हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे ऐसे गीत और संगीत पर बच्चे थिरक रहे, नाचते एनुअल फंक्शन के नाम पर ऐसे ऐसे बेढंगे गीत और संगीत। मम्मी पापा भी खुश है, बच्चे को तो पता ही नहीं क्या संगीत चल रहा है, क्या उसमें हम डांस कर रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं। इसलिए वो दोनों इस युवा पीढ़ियों पर आप ध्यान दें, इसको अच्छा संस्कार दें, ताकि आपके बच्चे आपके गर्व से कह सके कि मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। बच्चों में संस्कार की कमी, अच्छी खासी बिल्डिंग, धन दौलत, रुपये पैसे तो बहुत सारे माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन संस्कार हम नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आप अच्छा सोच रखें, जैसे जैसे माँ बाप होते हैं वैसे वैसे बच्चे बनते हैं। एक घर था, उस घर में दो होनहार बच्चे बाहर खेल रहे थे। बोले शत्रुदेव की, आप लोग मेरे तरफ ध्यान दें, इतनी शक्ति लगाकर बोल रहा हूं तो मेरे शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। बोले शत्रुदेव की जय। तो एक घर में
ऐसे घर के आंगन में दो होनहार के बच्चे खेल रहे थे। रूम में उसके मम्मी और पापा कोई कारणवश झगड़ रहे थे। अब कोई आदमी झगड़ा होता है तो हंसकर प्रेम से थोड़ा होता है, कैसे होता है? आदमी झगड़ा होता है तो कैसे होता है? जब कोई आदमी के बीच झगड़ा होता है तो आदमी जोर जोर से बोलता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। तो ऐसे ही और स्त्री और पुरुष में पति और पत्नी के बीच झगड़ा छिड़ गया किसी बातों को लेकर। तो पति और पत्नी लड़ रहे थे रूम में और आंगन में उसके बच्चे खेल रहे थे, तो उनकी दोनों की लड़ाई की आवाज, कहा सुनी की आवाज उसके बच्चों तक वापस आ रही थी। उसके दो बच्चे खेलते तो छोटे वाले बच्चों ने सुना कि अरे लगता है मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा उस कमरा में गया तो वहां डायबिटीज चल रहा था, लड़ रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। छोटा बच्चा सुनकर आया और आकर अपने बड़े भैया से बताया कि भैया भैया अरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं। तो उसका बड़ा भैया कहता है कि भाई साहब हमारे मम्मी और पापा लड़ेंगे ही, क्योंकि जिस दिन हमारे मम्मी पापा शादी किए उस दिन से हम लोगों से पूछे ही नहीं। बच्चों के सामने आप लड़ोगे झगड़ोगे बच्चे को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चे के सामने जो बाप बोतल पी कर आएगा बच्चे बाप मम्मी पापा तो कह देंगे सिर्फ आंखों से। उसके दिल में माँ के लिए बाप के लिए श्रद्धा ही नहीं रहेगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए जो भाइयों से भूल चूक गलती सबसे होती है, संगति में अनजानवश अज्ञानवश कभी हम बोतल पीना लग जाते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट खैनी पान तंबाकू के शिकार हो जाते हैं। भूल सबसे होती है, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जिससे भूल ना होती हो। आज हम जिसे हम साधु संत कहते हैं वो भी एक सामान्य व्यक्ति थे। आज हम किसी साधु संतों के चरणों में झुकते क्यों हैं? क्या वो बहुत हैंडसम स्मार्ट दिखते हैं इसलिए कि उसके पास बहुत धन दौलत जागीर है, बहुत चेला साखासी से इसलिए? ऐसा नहीं, हम उसके आदर्शों से, उनके सद्गुणों से, उनके निर्मल जीवन के कारण झुकते हैं। तो वो भी इन परिस्थितियों से होकर गुजरे हुए धीरे 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 अपने मन के विकारों को धोते धोते धोते। जब हम सद्गुरु संतों के चरणों में जाते हैं तो सद्गुरु संत जन हमारे अज्ञान को हरते हैं। कितने लोगों का अनुभव है कहते हैं कि साहब आश्रम में आता तो बहुत शांति महसूस होती है। कितने लोग कहते हैं कि संतों के पास जब बैठते हैं तो मन शीतलता से भर जाता है। स्वाभाविक है, जब हम पानी के पास जाते हैं तो वहां से शीतलता मिलती है। और उस शीतलता को आप पानी से ऐसे हाथ से नहीं खींचते हो, कैसे करते हैं? उसके संग होते हो, पानी के पास खड़े होते हो, उतने में ही शीतलता मिलती है। और जब हम आग के पास जाते हैं, अभी ठंडी का दिन है, आग जहां जलती हो आप जाकर आग के पास खड़ा होते हो, वैसे ही आपको गर्मी मिलती है। ऐसे ही जब हम संतों का संग करते हैं, उनके जब सानिध्य जाते हैं, उनके चरण शरण होते हैं, तो संतों के जो शीतलता है वो हम तक पहुंचती है। तो जीवन में एक अच्छे विचार आज हम देखते हैं इस भागम भाग और व्यस्तता के दिनों में लोग भागे जा रहे भागे जा रहे। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य रुपये पैसे धन दौलत कमाने की ओर, इसकी जरूरत है,
इस पेट की ज्वाला को, पेट की जठरग्नि को शांत करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारा मूल उद्देश्य वही बन गया, पैसा हो गुलाबी और नीले पीले नोट हमारी जेब पर, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज किसी को कोई परवाह नहीं, चाहे किसी की हत्या करना पड़े, किसी को लूटना पड़े, किसी को फूंकना पड़े, कोई परवाह नहीं, बस हमारी जेब गर्म। गलत काम करते समय जब हम किसी को किसी की जेब से पैसा निकाल लेते हैं, कहीं चोरी करके हाथ सफाई कर लिए, किसी की हत्या कर दिए, कुछ पैसा मिल गया, बहुत बढ़िया लगता है, हर जेब गर्म हो गई। लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो आदमी खून के आंसू होता है। आप जाने में अनजाने में जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस व्यस्ततम समय में आदमी भागम भाग की दुनिया, भाग रहे कहां भागे। किसी से कहेंगे भाई नौमी जी के यहां सत्संग चल रहा है, गए थे आप? कहे क्या करें भैया, टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त हूं, बिजी हूं। ये हमारी बीमारी है। एक शेर जी थे, कल मैं कहानी कह रहा था लेकिन बीच में रोक दिया था। आप लोगों से वादा किया था कि कल जिंदा रहूंगा तो जरूर सुनूंगा, और आज मैं यहाँ पर जिंदा बैठा हूँ तो सुन लीजिए। तो ये शेर जी थे, उसकी कई फैक्ट्रियां थी, यहाँ पर भी कोई शेर जी बैठे होंगे, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कहानी की सब। उसकी कई फैक्ट्रियां थी, बेचारा सुबह से निकलता था इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, सुबह से निकले 9-10 बजे, रात को वापस आता था। शॉर्टकट में कहानी कह रहा हूं। जब वापस आए तो उसकी पत्नी उसको खाना परोसती थी, और घर की दिन भर की जो समस्याएं थी, जैसे हमारी माता बहने आप लोगों से बताते हैं, तो उसे ठानी करती थी, सुनते हो सर जी, अरे घर में किराना का सामान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, जाकर बाजार से ले आते। तो सेठ कहता है, सुनते हो जी, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, ये सब बातें हमसे मत किया करो। उस दिन फेर गीता उसका एक लौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया। किसी का बेटा का पप्पू नाम है तो बुरा मत मानना। तो उसके एक लौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया। सेठानी फिर कहती, अरे सेठ जी पप्पू बीमार पड़ गया है, अरे डॉक्टर को दिखा दीजिए। सेठ भी कहता है कि तुम कैसी स्त्री हो, समझती भी नहीं हो, अरे मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, ऐसे बातें आप मुझसे मत करना, मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। उसकी पत्नी कहती, देखो सेठ जी अभी मरना मत। सेठानी सेठ से कहती है कि देखो सेठ जी अभी मरना मत। सेठ कहता है क्यों? तो सेठानी कहती है मुझे रोने की फुर्सत नहीं। भागम भाग की दुनिया, आदमी भागा जा रहा है। आप धन कमाइए, दौलत कमाइए, रुपये पैसे कमाइए, आप लोग कमाते हैं साहब तो हम लोगों को भी दाल रोटी खाने को मिल जाती है, कमाइए, लेकिन साथ साथ धर्म की भी कमाई करिए, अध्यात्म की कमाई करिए, परोपकार करिए, दान करिए, पुण्य करिए। अरे यही तो साथ जाता है। किसी भजन का ने कहा है, संग चले सो धन है संतों, छूट जाए सो माया। जो आप उपकार करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी नंगे भूखे गरीबों को कपड़ा और अन्न खिलाते हैं, वही तो आपके साथ जाएगी, तो परमार्थ की कमाई साथ जाती है। बाकी धन दौलत मार अटारी मारवल विदेशी कार आपके बेटे बेटी पोती सब जहां के तहां धरे रहेगा। बंदा अकेला खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, और एक दिन सबको इस संसार को अलविदा कहना ही पड़ेगा। आज तक कोई बचा है ना, बच सकेगा। मौत प्राकृति का शाश्वत नियम है, इसको छुटाया नहीं जा सकता।
देखो बच्चों की जब एग्जाम होता है तो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं, जैसे मार्च में 5 मार्च से पेपर है तो पहले से जनवरी से ही तैयारी करता है। वही बच्चा आगे चलकर टॉप 5 और टॉप 10 पर नंबर लाता है और कल एग्जाम में आ जाए कोई आदमी पढ़ने लगे दिन भर हफरे पढ़े तो भी वो बंदा कंटीजन से फेल होता है। तो आप अभी से अपनी मृत्यु की तैयारी शुरू करें। तो मैं मरने के नहीं कहा हूं लेकिन मरने से पहले कुछ सत्कर्म धर्म को काम करते चले। एक जगह ऐसे ही लीला मंडली आई हुई थी, बोली शुक्रदेव की। तो लीला मंडली उस गांव में जैसे आपके गंगा मलान वहां समझ लीजिए लीला मंडली आई थी। वहां कई दिनों तक उस गांव वालों को लीला दिखाई गई, लीला चल रही थी। और एक दिन उस दिन लंका दहन की लीला होनी थी। ध्यान से सुनिए, बोलिए सर्वदेव की जय। इसकी लीला होनी थी लंका दहन। इससे सुनने हमारे तो लंका दहन की लीला होनी थी। अब कार्यक्रम 7 बजे शाम से शुरू थी और जैसे ही 6 बजा और किसी कारणवश जो हनुमान बना था उसकी तबीयत खराब हो गई। भाई लंका दहन में मुख्य पाठ किसका होता है? हनुमान का। लंका दहन नहीं करता है जी प्रेम। तो लंका दहन में हनुमान मेन पाठ किया होता है। तो उस हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई। उस लीला मंडली के मैनेजर चिंतित हो गए। बोलिए शत्रुदेव की जय। आप लोगों को बता दूं बोलने का और हल्ला करने का मौका मुझे मिला। तो जब हनुमान बीमार पड़ गया तो उस मैनेजर को बड़ी चिंता हुई। अरे यार हनुमान बीमार पड़ गए, मुख्य काम इसी का है, अब देखें हनुमान कहां से लाएं। भाई ठीक सा आदमी थे जितना चाहिए उतना। हमारे भारतीय क्रिकेट में तो कम से कम 11 खिलाड़ी होते हैं तो 15-16 लेके चलते हैं। कोई बीमार पड़ गया कुछ हो गया तो शिक्षा भी कर लेते हैं। वो लोग उतने ही लोग थे। अब हनुमान बीमार पड़ी, मैनेजर को चिंता हुई कि कैसे करेंगे। तो वो हनुमान के लिए कोई पाठ करेगा सब घूमते घूमते ग्वालियर के शहर में चला गया। और जैसे शहर में गया तो एक मिठाई की दुकान में मस्त मोटा ताजा हलवाई जलेबी बना रहा था। मैनेजर ने देखा कि अरे वाह यह हलवाई बहुत बढ़िया हनुमान का पाठ करने के लिए, मस्त मोटा ताजा आदमी है। वो हलवाई के पास मैनेजर पहुंचा और हलवाई से पूछता कि भाई साहब आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि 500 कमाता हूं। तो उस मैनेजर ने कहा कि भाई साहब आपको थोड़ा सा मेरा काम करना है, हनुमान का आपको पाठ करना है, मैं एक रात के आपको 1500 रुपया दूंगा। आप दिन भर कर लो, इधर भी 500 पालोगे और यहाँ से काम बंद होगा तो सीधे हमारी तरफ चले आए। और उन्होंने तो फिर उस हलवाई ने पूछा कि भाई साहब काम क्या है? तो उन्होंने कहा भाई आज लंका दहन की लीला दिखानी है, आपको हनुमान का पाठ दिया जाएगा, आपको हनुमान बनाया जाएगा और रावण का दरबार लगा रहेगा। रावण पूछेगा तुम कौन हो? तो बता देना मैं हनुमान हूं। क्या करते हो जी? फिर पूछेगा तो बता देना मैं श्री रामचंद्र जी का काम करता हूँ। हलवाई ने कहा बस इतना ही कहना है? हाँ भाई इतना ही कहना है। अब मैनेजर वापस आ गया। अब वो हलवाई से जलेबी भी बनाता था और अपना पाठ भी याद करता था। तुम कौन हो? मैं हनुमान हूं। क्या काम करते हो? तो श्री रामचंद्र जी का काम करता हूं, जलेबी भी बना रहा था, अपना पाठ भी याद करता था। दिन भर पाठ याद किया, शाम को पहुंचा आपके गंगा मलानपुर में। जैसे आया मैनेजर उसको लेकर अंदर गया और अंदर जाकर उसको हनुमान जी को एक लंबी पूंछ
और लाल कलर की चट्टी और मस्त बड़ा वाला गद्दा पकड़ाया, मुकुट लगाया, मोटा ताजा आदमी था, अच्छा सेज भी रहा था। और हम जैसे ही उसको मैनेजर कहा कि चलो तुम पर्दा से बाहर निकलो, पर्दा से बाहर निकला कभी तो जिंदगी में सर पार कर आदर लिया नहीं था। देखा पब्लिक को हनुमान जी के माथे पे पसीना आ गया, वो जो हलवाई थे। और जैसे ही रावण का पर्दा फूटा, और रावण धीरे से बोलता नहीं, आप लोग जानते हैं इधर लीला बीला चलती कि नहीं, हम रावण जोर से पड़ता तुम कौन हो, तो जो हलवाई हनुमान बना था वो कहते मैं हलवाई हूँ। फिर पूछता है क्या काम करते हो जी, तो कहते हैं कि हम फोटो में चले भी छान। तो ऐसे ही आप कहीं पहले से तैयारी नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, धर्म और परमार्थ की कमाई नहीं करोगे, तो जीवन भर सिर्फ पश्चाताप की कमाई। इसलिए बंधुओं, घर में माता पिता है तो उनको आप सत्कार करें, उनको रोज प्रणाम करें। यही हमारे देवता है जी, बाहर आप कहां देवी देवता मंदिरों पर पहाड़ों पर देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आपकी घर की माँ को आप एक गिलास में पानी नहीं पिला रहे हैं, अपने माँ बाप के पास बैठकर कभी हम उसके दुख दर्द नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हम कैसे बच्चे हैं? हम लोग अपने माँ बाप को दुख ही दुख देकर उतने अपमान करके कभी भी जिंदगी में अपने लाइफ में सुख से जी नहीं सकते। आप अभी अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपके घर के बच्चे आपको देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को जितना बोल कर नहीं सिखा पाओगे उतना करके आप जो करते हैं उसका दोषी बनो। इसलिए माँ बाप का सम्मान करें, उनका आदर करें। आज हमारे भारत देश में देखिए क्या हो रहा है, जगह जगह वृद्धाश्रम, हम जैसे ना खराब बच्चों के कारण ये हो रहा है, ये हमारे देश की उन्नति नहीं है। हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे, बंधुओं इसी के चरणों में चल रहा हूँ। माँ बाप ने बच्चे पैदा किया, पालन पोषण किया, माँ नौ माँ तक गर्भ होने रखी, जब हम प्रसव की असर वेदना और पीड़ा सही हमारे कटियों के साथ को माँ और बाप चंदन की तरह करे, कभी माँ बाप बच्चे की गंदगी देखकर घृणा नहीं करते, पढ़ाए और लिखाए, आदमी सोचता है आज बहुत बड़ा पद लगा, अरे हम अपने बदौलत हुए, आदमी सीना ठोकता है, अरे बेटे तुम अपने बदौलत क्या हुए, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया अन्न खिलाया स्तनपान कराया, उस माँ बाप के हम अदा को भूल जाते। तो माँ बाप है घर में, तो माँ बाप की सेवा करें। घर में कोई दीन दुखी गरीब आ जाए, भिखारी आते हैं, आपके धन दौलत को छीनने नहीं आते, बस थोड़ा सा आप अन्न आपसे मांगते हैं, आपको दान पुण्य सेवा करने का मौका देता है, ऐसे हम कहां जाते हैं? संत गुरुजन आ जाए, प्रेम से सेवा करें, नमस्कार करें। माता पिता के बाद हमारे संत गुरुजन, माता पिता तो भौतिक धन दौलत की शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे संत गुरुजन जीवन उद्धार की बातें बताते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो, इस जन्म मरण के हिलोरे में हम जो छोड़ रहे हैं उससे छुटके दिलाते हैं। तो जीवन को इस कदर जिए कि जिंदगी के अंतिम क्षणों में, अंतिम पड़ाव में आपको किसी प्रकार के भी पश्चाताप ना हो, जीवन एकदम रिलैक्स शांति से बीते, तभी जीवन जीने का लाभ है। बहुत धन कमाए, दौलत कमाए, रुपए पैसे कमाए, लेकिन जीवन में शांति नहीं तो क्या है? हम लोग जो कुछ करते हैं, हम लोग इस साधना मार्ग में लगे शांति के लिए, आप लोग रुपए पैसे धर्म कर्म करते हो शांति के लिए ही करते हो। जब हम कुछ दूसरों को देते हैं, जैसे आप किसी दिन दुखी को पैसा दे दिए, सहयोग किए, संतों के चरणों में चढ़ा दिए, वो संतों के लिए नहीं है, वो आपके लिए ही होता है। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं गड्डी गड्डी पैसा लेकर, तो उस पैसा को किसको देते हो? बैंक में जाते हो किसको देते हो? सुगर
केसियर को देते हो, तो केसियर को देते हो, केसियर के लिए नहीं देते हो, किसके लिए देते हो? अपने लिए देते हो। केसियर आपका पैसा रखता है और आपके अकाउंट पर चढ़ा देता है। वैसे ही हम किसी को दान करते हैं, सहयोग करते हैं, वो लगता है कि हम उसको दे रहे हैं, लेकिन नहीं, धर्म के खाते पर, धर्म के अकाउंट पर आपको पैसा जमा होता है, वही आपका असली धन है। खाए खिलाए दिए दिए वही तो संग जाता है, वही सौंध जाता है, वही आपका असली धन है। बाकी तो महल अटारी कार बेटी बेटे पोते नाती सब यही छू जाते हैं। अकेला ही संसार से प्रयाण करना पड़ता है। तो जीवन में हम अच्छी सोच रखें, जीवन को अच्छा जिए, बीते टाइम साधने आगे की सुधि ले। जो जीवन का क्षण पल था, चाहे हमारी गफलत में हमारी गलती में जो क्षण बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम दिल संकल्प करें, ठोस इरादा रखें कि अब जीवन में हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर देखना आपके जीवन में खुशी के फूल खिलेंगे, आपके मन का नंदनवन खिल उठेगा। ये मत सोचेंगे नहीं जी हम तो जीवन भर गलती पर गलती गलती पर गलती करते आ रहे हैं, अब कैसे सुधार, ऐसा नहीं होता है। जब जागे तभी सवेरा, जैसे इस हाल में अंधकार हो तो उस अंधकार को दूर करने के लिए कितना देर लगेगा? बस स्विच ऑन करिए, अंधेरा जाएगा। अंधेरा होता ही है प्रकाश के अभाव में, अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं। आप देखो सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था, कितना घना कोहरा छा जाता है, कभी कभी लगता है वैसा ही बना रहेगा, लेकिन जब सूर्य उगता है, सूर्य की किरण, सूर्य की रश्मियां जब धरती तक आती है, तो फिर कोहरा आप ढूंढोगे तब भी नहीं पाओगे। वैसे ही हमारे अंदर भी अज्ञान की कोहरा छाया हुआ है, और जब कोहरा छाता है तो 5 फीट 10 फीट का आदमी दिखना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी वाले लोग राइट चलाते फिर भी टकरा जाता है, कई बार ट्रेन पीछे से पीछे वाली ट्रेन पर चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तुएं दिखती नहीं है, आदमी भी नहीं दिखता है, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञान का, अविद्या का कोहरा छाया हुआ है, इसलिए संसार जैसा है वैसा हम नहीं देख पाते। ये सारी चीजें भौतिक चीजें क्षणिक है, आज है कल नहीं, स्वभाव आज है और कल नहीं है, और जो चीजें छूटने वाली है उसी को हम पकड़ने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और आज तक बहुत बड़े प्रयास किया पकड़ने का दुनिया की चीजों को, लेकिन कभी किसी ने नहीं पकड़ पाए। इसमें सजनों बाहर की यात्रा हम बहुत कर चुके हैं, बाहर की हम बहुत दौड़ चुके हैं, बाहर के प्राणी पदार्थों को पाने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में हम नहीं किए तो अंदर की यात्रा। अब आवश्यकता है अंदर की यात्रा, अपने आप में मुड़े, अपने को जाने, अपने को समझे, अपने जीवन के महत्व को समझे। आप के अंदर वो भगवान बैठा है, वो रमैया राम बैठा है। देखो बस सहज लो जय बुला थे रमैया राम की जय। उस रमैया राम की सत्ता को महत्ता को समझे। आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन को अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने जीवन का उद्धारक है। कोई भगवान कोई भवानी आपके जीवन को नहीं बदलेगा, खुद बदलना पड़ेगा, खुद परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक क्रांति करनी पड़ेगी, तभी जीवन बदलेगा। और जीवन को सुख से जीना है तो आपका विचार अच्छा हो, आपकी भावनाएं अच्छी हो, हमेशा अच्छा सोच रखें। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप सब हमेशा गगन मगन मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए अपने जीवन को जिए। जिंदगी बहुत ही क्षणिक है, पता नहीं किस क्षण किस पर हम इस दुनिया को अलविदा कह दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसमें जो जिंदगी बची है उसको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जिए, दुखी होकर मत जिए। दुखी रहना मजबूरी नहीं है, हम अज्ञान वश दुखी होते हैं। ये दुनिया की चीजें मिलती रहेगी छूटती रहेगी, कोई मरेगा कोई जन्मेगा,
कभी अच्छी परिस्थितियां आएगी, कभी बुरी परिस्थितियां आएगी, यही तो जीवन का क्रम है। तभी जीवन में समरसता है, तभी जीवन का आनंद है। किसी के जीवन में सुख ही सुख नहीं है, किसी के जीवन में दुख ही दुख नहीं, सभी प्रकार की घटनाएं घटती है। अभी देखो कड़कड़ाती हुई ठंडी है, उस दिन के बाद आज हम जितना कपड़ा लादे हैं मन होगा सबको उतार करके, गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात, फिर ठंडी, फिर गर्मी। आज सुबह हुई थी, आज दोपहर हो गया, फिर शाम होगी, रात होगी, फिर सवेर आएगा। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहता है, सब बदलते रहता है, परिवर्तनशील संसार है। इसलिए जीवन के हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहे, आनंद रहे, हंसते रहो, मुस्कुराते हुए आपको जीवन बीते। यही आपके लिए मंगल कामना करता हूँ और अपनी वाणी को यही परिणाम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आगे विचार रखने के लिए हमारे बीच आदरणीय सदगुरुदेव की जय। जला सको तो दीप्ति जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, मार सको तो मन को मारो, प्राणी मारना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, पाप कमाना मत सीखो। परम पूज्य साईं जी अर्जुनी वंदिशन समाज जिन क्यों माता आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। कल मैंने श्री लोमी सिंह जी के गृह प्रवेश घर उद्घाटन के बारे में कुछ बोलने का प्रयास किया था। मकान क्या होता है और घर क्या होता है, मकान और घर में अंतर क्या होता है, मैंने थोड़ी से बताने का प्रयास किया। उसके बाद में उसी क्रम को आगे बढ़ा करके मैंने मकान से घर, घर से मंदिर बनाने का प्रयास किया, अपने शब्दों के माध्यम से आपके घर को मंदिर बनाने का प्रयास किया। मैंने शब्दों के माध्यम से आपके घर को मंदिर बनाया, आप अब करना क्या है, आपको जी करके घर को मंदिर बना देना है। जिस बातों को मैंने कहा था उन बातों को आपको जीना है। और जो लोग कल नहीं आ रहे होंगे, शायद वीडियो की गाड़ी हो रही होगी तो ये डाटा मिल जाएगा, तो हमारा एक चैनल है, ध्यान देंगे कभी विचारमाला अनिल के नाम से आप रिसर्च करेंगे तो कभी पार्क संस्थान इलाहाबाद से संतों के विचार, गायकों के भजन और कई प्रकार के विचार उसमें आएंगे, या तो कभी पार्क संस्थान इलाहाबाद के संतों का विचार है उसमें आप सर्च करेंगे कभी विचारमाला अनिल, या तो सर्च करेंगे अनिल मेरे नाम से सर्च करेंगे अनिल साहब करके तो वह चैनल सामने आ जाएगा, उसमें संतों के विचार आपको मिल सकता है, आप अपने यूट्यूब में देख सकते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं, वो है आप अपने जीवन के मूल्य को समझिए, आप अपने जीवन के मूल्य को समझिए। बहुत सौभाग्यशाली है हम सब के सब जो कि ऐसा जीवन मिला हुआ है, बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमको पहनने के लिए कपड़ा मिलता है,
रहने के लिए मकान मिल मकान है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है और आँख से देख सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं और जिधर चाहे हम चल सकते हैं सही दिशा की ओर। सौभाग्यशाली इसलिए इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इस सौभाग्य प्राप्त नहीं है। ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो जैसा चाहे नहीं देख सकता है, जिधर चाहे नहीं जा सकता है, सत्संग सुनना चाहे तो नहीं सुन सकता क्योंकि उनका कान सुनाई नहीं देता है, संतों का दर्शन करना चाहे, संतों से मिलना चाहे, परिवार वालों से मिलना चाहे तो आँख से नहीं देख सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता है, सत्संग में जाना चाहे तो पैर से नहीं चल सकता है, अपाहिज है क्योंकि अपाहिज है, इसलिए संतों के दर्शन के लिए, संतों के सत्संग सुनने के लिए अपने बल पर नहीं आ सकता। बहुत से लोग हैं जिससे हम लोग बेहतरीन है, सौभाग्यशाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब होते होते साथ साथ हम सबका मन अच्छा है, मन अच्छा है, मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, मन अच्छा होना चाहिए। सतगुरु श्री रविदास जी कहा करते थे मन को रुई की तरह ढूंढ डालो, जैसे आपके पास गद्दे हो पुराने गद्दे, तो पुराने गद्दे को ढूंढने के लिए आप मशीन में ले जाते हैं और मशीन में डालते ही रुई को गद्दे को डालता है मशीन में, वैसे रुई अलग हो जाता है और उसमें जो गद्दा रहता है ढूंढ रहता है, ढूंढ का कण नीचे चला जाता है, रुई हल्का हो जाता है। ऐसे ही आप अपने मन को करिए, मन को मन का छानबीन करिए, मन को शोधित करते जाइए, मन को परिमार्जित करते जाइए, मन को निचले स्तर से ऊपर उठाते जाइए। कब तक शिकायत भरी जिंदगी जिएंगे, कब तक तेरी मेरी वाली जिंदगी जिएंगे, बादशाह की जिंदगी जिए। आप सबके पास वो शक्ति है, वो साहस है कि आप अपने जीवन में भीतर डाला सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए मन को सुंदर बनाना है और मन को बदलने का सिर्फ एक ही स्थान है, वह सत्संग है। सत्संग में ही मन को बदला जा सकता है। यदि आपका मन अच्छा हो जाता है फिर आप अच्छा हो जाते हैं, आप अच्छा हो जाते हैं। आपका मन खराब तो सब खराब, यदि मन अच्छा है तो रामायण बीजक महाग्रंथ बाइबल जितना अवेस्ता पुराण सारे काम आएंगे। मन अच्छा है तो, मन अच्छा है तो भाई काम आएंगे, मन अच्छा है तो पत्नी काम आएगी, मन अच्छा है तो माँ बाप काम आएंगे, और मन खराब है तो ना भाई पसंद आएगा, ना पत्नी पसंद आएगी, ना माँ बाप पसंद आएगी, ना जिंदा ना अवेस्ता ना बाइबल ना पुराण ना महाभारत ना कुछ भी काम नहीं आएगा। मन खराब है तो सारी चीज, मन अच्छा है तो मिठाई अच्छा लगेगा, मन अच्छा नहीं है तो मिठाई की बेकार, मन अच्छा है तो मकान अच्छे लगेंगे, मन अच्छा है तो प्रवचन अच्छा लगेगा, और मन खराब होगा तो सब खराब चला जाएगा। मन को अच्छा करें, अपने जीवन को अमेरिक के लिए मन को अच्छा करें, और मन अच्छा होगा तो शत्रु कभी क्या कहते हैं, जागो मन निर्मल रहा जैसे गंगा नदी पीछे पीछे हरी फिरे कहत कभी कभी, इतना में जीवन बदल जाएगा, इतना बस कर गया। जागो मन निर्मल भया, जिस समय शत्रु कबीर साहब हुए उस समय गंगा की विशेषता पहले भी थी और आज भी गंगा की विशेषता है, लेकिन जिस समय शत्रु कबीर साहब गंगा की विशेषता कहे हैं उस समय वाराणसी में गंगा सुंदर था, लेकिन आज क्षमा करिएगा कि गंगा मैया को माता मानती है, सब कुछ मानती है, हम लोगों के लिए आज गंगा सुंदर हो चुका है। आप यहाँ से हरिद्वार चले जाएंगे, हरिद्वार में सिक्के फेंकेंगे तो सिक्का दिखाई देता है, लेकिन वही हरिद्वार से आते आते इलाहाबाद प्रयागराज तक, वाराणसी इलाहाबाद प्रयागराज आते आते तक इतना गंदा हो जाता है, पानी को छोड़ने का मन नहीं करता है। रायपुर के चमड़ा मिल का पानी, पूरे रायपुर का चमड़ा मिल का पानी कहा जाता है, कानपुर का चमड़ा मिल का पानी पूरे गंगा में जाता है, पूरे प्रयागराज जहाँ जब कुंभ मेला होता है तो करीब करीब 3 अरब जनसंख्या, सोच लीजिए जब लगभग वहां कुंभ मेला होता है तो लगभग 17 से 18 किलोमीटर होता है, और 17 से 18 किलोमीटर में कैंप लगते हैं, वहां एक साइकिल भी अंदर जाने नहीं देते हैं, मुख्य स्नान के लिए एक साइकिल के अंदर भी जाने देते हैं, और उसमें ना जाने गंगा में मुक्ति पानी के लिए लोग जा रहते हैं, हम लोग दुनिया से भी जा जाते हैं, फिर भी भक्त नहीं बच पाते हैं। यह हकीकत घटना बता रहा हूँ, हर साल मैं कुंभ मेला में आता हूँ। गंगा
गंगा से हाँ इनकी चर्चा आगे तो भेद पर भेद उठता जाता है। गंगा के आपके जाने से कल हमारे साहिब जी कह रहे थे गंगा के जान गंगा स्नान से आपका शरीर धोने का मन नहीं हो सकता है। पाप किस में शरीर में पाप ही क्या पाप मन नहीं है मन को धोना लेकिन गंगा के पानी से शरीर भी नहीं धुलता है बता दिया ना शुद्ध हो चुका है कहते हैं सीवर बैंक का पानी कपड़ा टट्टी पेशाब का पानी थोड़ा उसमें जाता है। आइए मैं अपने विषय पर आऊंगा कुछ लोग कहते होंगे शायद लोग सब खंडन ही खंडन कर रहे हैं खंडन ही कर रहा हूँ जो हकीकत चीज उसको बताने का प्रयास करता हूँ उससे अच्छा आप हैंड पंप खोलिए और उसमें आप स्नान कर लिए। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि गंगा के पानी में कीड़ा नहीं लगता है गंगा का पानी लीजिए दूरबीन से देखिए उसमें कीड़ा बिलबिला रहा है एक हकीकत चीज है उसमें कीड़ा बिलबिला रहा है गंगा के पानी में लेकिन साफ पानी है साफ पानी को आप पात्र में भर करके रखते हैं महीना दो महीना भी रखेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है बस एयर टेकिंग एयर लीकेज नहीं होना चाहिए उसमें हवा नहीं प्रवेश करना चाहिए क्योंकि पानी नहीं चढ़ता ये नियम है। आइए मैं आपके विषय पर आऊँ आप अपने जीवन के मूल्य को आपका जीवन बहुत बेशकीमती है आप क्यों ही अपनी जिंदगी को सुंदर जीवन बना लें आप अपने जीवन को इतना छेछीप दीजिए कर लीजिए समान लीजिए कि आपको महसूस हो कि मुझे जो जीवन जीना चाहिए था वो जीवन जीना हो मुझे जो बादशाह चाहिए था वो बादशाह की जिंदगी जी रहा हूँ मुझे जीवन को जैसे संवारना चाहिए था वैसे जीवन को संवारा है। अपने जीवन को आप कैसे संवारते हैं आप आकलन करिए आप अपने जीवन की कीमत को लगाइए आपका जीवन कितना कीमती है। एक उदाहरण दूं आपके पास एक संत फकीर संत उनके पास सुबह सुबह का वक्त रहा सुबह सुबह 6 बजे एक व्यक्ति गया अपने आप में संपन्न व्यक्ति था अपने आप में मतलब आज की दुनिया के लिए अपने आप में संपन्न नहीं था व्यक्ति पैसा से संपन्न था परिवार से संपन्न था गाड़ियां थी घोड़े थे लेकिन अपने आप में संपन्न नहीं था वो बाहरी संपदा थी उनके पास। वो व्यक्ति एक संत के पास जाते हैं और संत के पास जाकर के पूछते हैं महाराज जी मेरे जीवन का कीमत क्या है मैं अपने जीवन का मूल्य को कैसे आप लूं। महाराज जी कहते हैं तुम क्या क्या प्रश्न कर लेते हो इन प्रश्नों को छोड़ो मेरा एक काम करना उसके बाद मैं तुमको प्रश्न उत्तर दे दूंगा। महाराज जी बैठे थे वहां पर अपने सिंहासन पे वहां बगल से एक पत्थर उठाता है छोटा सा पत्थर और छोटा सा पत्थर उठाता है और सामने वाले व्यक्ति को दे देता है इस पत्थर को पकड़ो व्यक्ति पकड़ता है और कहते इस पत्थर का तुम मूल्य अदा करके आना बेचना मत इस पत्थर को सावधान रहना बेचना मत ये पत्थर गिरना नहीं चाहिए घूमना नहीं चाहिए इस पत्थर का सिर्फ मूल्य पता करके आना ये पत्थर कितने में बिक सकता है कितने में बिक सकता है। आदमी घर से निकलता है घर से निकलते ही वहां पर एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था सब्जी वाले से पूछता है भाई साहब इस पत्थर का क्या रेट दोगे आप पत्थर चमकदार दिख रहा था चमकीला पत्थर था वो नहीं जानता है क्या पत्थर है चमकीला पत्थर सुंदर पत्थर दिख रहा था चमक पत्थर। सब्जी वाला कहता है भाई साहब इस समय मेरे पास मिली सब्जियां है टमाटर भी है लेकिन टमाटर का सबसे ज्यादा 80 रुपए किलो चल रहा है मैं तुम्हारे पत्थर का यदि 1 किलो पत्थर होगा तुमको इसके बदला में 1 किलो टमाटर दे सकता हूँ या तो 1 किलो टमाटर का पैसा दे सकता। और व्यक्ति पत्थर उस कीमत उस पत्थर का कीमत 80 रुपया बताता है। आगे बढ़ता है व्यक्ति देखता है लोहे देने वाले कबाड़ लेने वाले लोहा प्लास्टिक जूता चप्पल ये सारे कबाड़ लेने वाले व्यक्ति जाकर उनको पूछता है भाई साहब इस पत्थर का क्या कीमत लगाओगे वो कहते हैं मेरे पास लोहा कीमती बिकता है उसके बाद में पीतल कीमती बिकता है उसके बाद में एल्युमिनियम के बाद में पीतल कीमती बिकता है तुम्हारा पत्थर चमकदार दिख रहा है इसलिए मैं तुम्हारे पत्थर को एल्युमिनियम के भाव पर लेता हूँ तुम्हारे पत्थर को मैं एल्युमिनियम के भाव पर लेता हूँ और तुम्हारे पत्थर को मैं 300 रुपये किलो के हिसाब से लेता हूँ। वो कहता है 300 रुपये किलो के हिसाब से लेता हूँ 80 रुपये का 300 रुपये एल्युमिनियम के भाव पर चला गया उनका पत्थर वो व्यक्ति आगे चला जाता है बर्तन दुकान में जाता है लेकिन वही बर्तन दुकान के जाने के बाद में उसका कीमत भी बढ़ जाता है वो भी पीतल लेने वाला था वो पीतल के भाव पर मांगता है उस पत्थर का कीमत वो कहते हैं मैं तुम्हारे पत्थर का कीमत मैं 500 रुपया अदा कर सकता हूँ
बढ़ता जा रहा है कीमत, जितना अच्छे जगह वो जाते हैं उतना ही अच्छा उस पत्थर का कीमत बढ़ता चला जाता है। वो व्यक्ति पीतल वाले के पास गया और पीतल वो पत्थर 80 रुपया से 300 रुपया में गया, 300 रुपया में 300 रुपया से 500 रुपया में चला गया और व्यक्ति चला जाता है एक चांदी की दुकान में। चांदी के दुकान में चला जाता है, चांदी की दुकान में जाने के बाद दुकानदार पत्थर को देखता है, बड़ा चमकीला पत्थर, दुकानदार समझ जाता है क्या पत्थर है। वह कहता है मैं तुम्हारे पत्थर को मैं चांदी के भाव में ले सकता हूँ, यदि चांदी यहाँ पर 40,000 रुपये किलो चल रहा होगा तो मैं तुमको 40,000 रुपये उस पत्थर का कीमत दूंगा। वो व्यक्ति आगे जाता है सोने की दुकान में, बड़ा सा दुकान में सोने तो उनके पास भी था लेकिन बड़ा दुकान देखा, वहाँ चला जाता है सोना का दुकान, वहाँ चला जाता है। वह दुकानदार देख करके बड़ा खुश हो जाता है, कहते हैं मैं तुमको इस पत्थर का कीमत 1,00,000 रुपये से ज्यादा दे सकता हूँ। जो पत्थर 80 रुपये से शुरू होता है 1,00,000 रुपये तक चला जाता है और व्यक्ति चलते चलते एक हीरे की दुकान में चला जाता है। एक हीरे की दुकान में जाने के बाद में वह हीरे के व्यापारी से पूछता है इस पत्थर का क्या कीमत होगी। हीरे का व्यापारी देख करके हंसता है ये पत्थर तुमको मिला कहां से, कहते हैं उसकी बात छोड़िए कहां से मिला है, आप इस पत्थर का कीमत क्या दे सकते हैं। हीरे का व्यापारी कहते हैं मैं इस पत्थर का कीमत अदा नहीं कर सकता, तुम अपने इलाके को बेच दोगे, तुम अपने इलाकों को बेच दोगे तब भी इस पत्थर का तुमको कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। इस पत्थर का मूल्य इतना है, इतना इस पत्थर का उनको हुजूर का हीरा मिल चुका था, हुजूर का हीरा मिल चुका था। और जाते ही दुकानदार वो व्यक्ति व्यक्ति चला जाता है महाराज के पास में और पूछते हैं क्या क्या रेट लगाया तुमने। वो सारा हिस्ट्री बताता है, शुरू करता है 80 से 300 से 500 से 30,000 से 1,00,000 रुपये से कीमत अदा नहीं कर पाए, इतना कीमत है। इतना में महाराज कहते हैं बंदे तुम्हारे जीवन का कीमत इससे नहीं जाता है, तुम्हारे जीवन का कीमत कहीं इससे नहीं जाता है। तुम जहाँ जिस दाम में तुम अपने जीवन को लगाते हो तुम्हारा जीवन का दाम उतना ही होता है। तुम यदि एक बीड़ी और सिगरेट पीने वाले के पास जाते हो तो तुम्हारे जीवन का दाम कितने में लगता है पता है, बीड़ी और सिगरेट के बराबर रह जाता है, मात्र बीड़ी और सिगरेट के पास, सिगरेट पीने वाले के बराबर आपका जीवन का होता है। तुम शराब पीने वाले के पास जाते हैं तो शराबी कहलाते हैं, तुम्हारे जीवन का मूल्य शराबी का शराबी के लायक होता है। और वैसे ही अंडा मांस मछली जुआ शराब पीने वाले के पास जाते हैं उतना ही तुम्हारा मूल्य बढ़ता जाता है। लेकिन हे भक्ते, यदि तुम अपने जीवन को एक शिक्षक के पास जाते हो तुम्हारे जीवन का मूल्य शिक्षक के बराबर होता है, एक वकालत करने वाले वकील के पास जाते हो तो वकालत करने वाले वकील के बराबर होता है, इंजीनियर के पास जाते हो तो इंजीनियर के बराबर होता है, यदि तुम नेताओं के संग करते हो तो तुम्हारे जीवन का मूल्य नेताओं की कीमत के बराबर होता है। लेकिन तुमने इस जीवन को सबसे हटा करके तुमने अध्यात्म में लगा दिया और संतों के शरण में लगा दिया और जीवन को लेवल जीवन लेवल को ऊपर उठाते गया, न राग न द्वेष न कलह न कल्पना, फिर क्या हो गया जा कोमल निर्मल भया जैसे गंगा ने पीछे पीछे हरती हरी किए कहत कभी कभी, फिर आप किसी परमात्मा के लिए नहीं दौड़ोगे, भाई से कलह नहीं करोगे, पड़ोसी से कलह नहीं करोगे, अपने ही लोगों के साथ विद्रोह नहीं करोगे, आप सब अपने ही लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप अपने भाई से पटिया नहीं बैठ रहे हैं, आपके माँ बाप से पटिया नहीं बैठ रहे हैं, अपने माता पिता से दूर होते चले जा रहे हैं, अपने ही बच्चों से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या आपको कीमत इतना नहीं है कि आपके बच्चे आपके आपको सलाम कर सके, आपको इज्जत दे सके। आपने अपने जीवन को दाम लगाया है, गलत जगह दाम लगाया है, आप अपने कीमत को हटा दिया है, आपके ही भाई आपको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, आपने अपने जीवन को हटा दिया है, जीवन की कीमत को हटा दिया है, क्यों अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं, क्यों कलह और कल्पना में अपनी जिंदगी को हम तबाह कर देते हैं, क्यों राग और द्वेष में लड़ते लड़ते अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। अपने जीवन में प्रेम की स्थापना करिए आप, प्रेममय जीवन बन जाए। मैं इसमें उदाहरण दिया, जिस समय शत्रु कबीर हुए उस समय प्रयाग में गंगा का पानी बहुत शुद्ध था, इस समय शत्रु कबीर का उदाहरण दिया था, जब को मन निर्मल है इसकी उदाहरण दिया। आप अपने मन को शुद्ध रखिए, मन को अच्छा रखिए, फिर आपको
किसी परमात्मा के पास, किसी भगवान के पास। मैंने कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा मैं, कि आपका घर ही मंदिर बन जाना चाहिए, बाहर बंदी की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपने भगवान बैठे, जिस भगवान को आपने बैठाया है मंदिर में, वहाँ भोग लगाना भूल जाते हैं तो वहाँ क्षम हो सकता है बंद हो, लेकिन यदि आपने घर में बैठे भगवान को भोग लगाना भूल गए तो वहाँ क्षम नाम का चीजें नहीं है, याद रखना। वहाँ क्षम नाम का चीजें नहीं है, वहाँ आपको रोज भोग लगाना, वहाँ आपको रोज भोग लगाना। अपने जीवन के लेवल को उठाते जाइए आप। मैंने कल ही कहा था कि आपको जीवन के लेवल, जीवन लेवल को ऊपर उठाने के लिए बड़े आदमी होने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कबीर बन सकते हैं, हर व्यक्ति बुद्ध और महावीर बन सकते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन के मसीहा बन सकते हैं। हर व्यक्ति सब के सब रगड़ रहे हैं, अपने अपने दुख, अपने अपने दुख के लिए अपने ही नाम रगड़ जा रहे हैं। अपने बनाया दुख है, सबने अपना बनाया दुख आप सब झेल रहे हैं। अपने बनाया दुख कब तक झेलेंगे आप? अपने जीवन को चमकाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। एक व्यक्ति घर से निकलता है, घर से निकलते ही एक सुंदर मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, वहां पर गया और मूर्तिकार से व्यक्ति कहता है, मूर्तिकार से, आपने बहुत सुंदर मूर्ति बनाया। मूर्तिकार से कहते हैं, आपने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया। मूर्तिकार कहते हैं, हे महाजन, मेरी विशेषता नहीं है, विशेषता मेरी नहीं है इसमें, इसमें विशेषता इस पत्थर की है, मूर्ति मैंने नहीं बनाया है, मैंने मूर्ति नहीं बनाया है, मैंने जो रूप था इस पत्थर में उसको निखारने का प्रयास किया है, मैंने इसमें आरोपित नहीं किया है, मैं हाथ से छिपाया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक पत्थर को छिलता गया, गढ़ता गया, संवारता गया, बांझता गया, और जो मूर्ति है जो दिखाई दे रही है उसके जो बाया अंश था, गलत अंश था, उसको मैं काट काट करके छिल छिल करके फेंकता गया। आप भी अपने जीवन को संवारिए, आप भी अपने जीवन को संवारिए, अपने गलत आदतों को निकालते जाइए, गलत विचारों को निकालते जाइए। आप बहुत समझदार हैं, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मात्र 50,000 से 1,00,000 की गाड़ी है, 50,000 से 1,00,000 की गाड़ी होती है मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह आप कभी डीजल नहीं डालते हैं, पेट्रोल की जगह कभी आप मिट्टी तेल नहीं डालते हैं। एक 50,000,00,000 भर की गाड़ी में पेट्रोल में आप डीजल मिट्टी तेल नहीं डालते हैं। आपका जीवन इतना कीमती है, उसमें आप क्या डाल देते हैं, गुटखा भर लेते हैं, शराब भर लेते हैं, मांस, याद है मांसाहारी जानवर का लक्षण बता देता हूँ मैं, यदि जो जो मांस खाते होंगे मतलब आपने आपको सोचिए आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, क्षमा करेंगे मैं इस बात को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, मांसाहारी जानवर का दांत नुकीला होता है। शेर देख लीजिए, चीता देख लीजिए, भालू देख लीजिए, आप जो भी देखिए मांसाहारी जानवर का दांत नुकीला होगा और नाखून नुकीला होगा, मांसाहारी जानवर का लक्षण ही है। आप सब शाकाहारी होंगे और शायद यहाँ बैठे सभी लोग शाकाहारी होंगे, बोलने की जरूरत नहीं, पर ही बोल देता हूँ, कोई यदि मांस खाते होंगे तो क्षमा चाहता हूँ, मत खाइए मांस, मत खाइए। आपके शरीर में एक पिंच खाने से कितना दर्द होता है आप महसूस कर सकते हैं, और ना जाने कितने ही ऐसे जानवर को काट करके खा लिए जाते हैं। क्या आदमी है कि जानवर है? हम जानवर की गिनती नहीं, हम इंसान हैं। इंसान का खोल पहने हैं तो इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बादशाह की जिंदगी जीना चाहिए, जानवर को खाना नहीं चाहिए। जानवर को खाना जानवरों का लक्षण है, इंसान का लक्षण नहीं है। आप अपने जीवन के मूल्य को मत पता है। एक आदमी शराब पीता है तो उसका मूल्य क्या होता है पता है? उसको कुत्ता सुनता है, रोड पर रहता है तो उसका कीमत कितना गिर जाता है। वही आदमी है जब अच्छी स्थिति होती है लोग उनका सम्मान करते हैं, नमस्ते सर बोलते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई आइए भाई साहब कहते हैं, लेकिन जब शराब पी लेते हैं तो लोग उसे मुंह छिपाते हैं, उसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों ना पीता ही क्यों ना, क्यों ना बाप क्यों ना हो लेकिन उसे मुंह छिपा देते हैं, क्यों ना अपना ही पुत्र क्यों ना हो लोग उसे बात नहीं करना चाहते, ये दुष्ट हो गया मेरा बालक,
वो अपने आप को अपने आप को कोसते हैं अपने आप को। मेरे कोख से ऐसा पुत्र जन्म लेते पिता पुत्र के गहरा था वो अच्छा। मेरे कोख से ऐसे पुत्र जन्म लेना लेते मेरे बिना मैं ऐसी पांच रह जाती वो माँ अपने आप को कोसती है मेरे अपने कोई पुत्र मत होता। लेकिन ऐसे बच्चे किसी को कोख से मर जाएंगे वो बार बार दुआ करता है बार बार दुआ करती है। वो आप सबसे निवेदन है ऐसे लोगों के प्रेरणा का स्रोत बने। आप किसी के शराब नहीं जीवन को दबा मत करिए। शराब पीना मतलब अपनी जिंदगी को दांव में लगाना और याद रखिएगा अपनी जिंदगी को दांव में लगाना। यदि आप शराब पीते हैं तो आप कभी किसी को नहीं कर सकते कि शराब मत पियो। सिगरेट पीने वाला नहीं कर सकता है सिगरेट मत पियो नहीं कर सकता। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में रहता और घर में रहता रोज उनके पिताजी उनको सिगरेट मंगाता तो लाता रोज उनके पिताजी बड़ा सिगरेट पीता मुंह में डालने के बाद में धुआं उड़ाता गोल गोल धुआं उड़ाता। बच्चा को देख करके बहुत अच्छा लगता पापा बहुत अच्छे से गोल गोल धुआं उड़ाते। एक दिन किया क्या पापा नहीं थे तो अपने कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद में उनकी सिगरेट पिया उनको अच्छा लगा। उसके बाद में एक दिन फिर उनके पिताजी मंगाया तो फिर लाया। दूसरा दिन फिर वो प्रयास किया पीने का प्रयास किया और फिर से वही सिगरेट पीता है धुआं उड़ाता है गोल गोल। वह उनको मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे वह बच्चा सिगरेट पी रहा है उनके पिता देख लेता है और उनको आ करके एक बार थप्पड़ मारता है। बच्चे हो होश की अवस्था नहीं आई है और तुम सिगरेट पीते हो एक बार थप्पड़ लगाया। दूसरा दिन बच्चा स्कूल से आता है देखता है पिता वही सिगरेट पी रहा है दम करके आता है अपना बिस्तर कमरे में रखता है और जा करके अपने पिता के कान पर एक तमाचा मारता है। जवानी आ गई है 50 साल की अवस्था है होश में नहीं हूँ तुम्हारे बच्चे पैदा हो चुके हैं मैं तुम्हारे बच्चे हूँ सिगरेट पीती हूँ। आप भी यही कर रहे हैं मत कीजिए गांजा मत कीजिए शराब अपने जीवन को तबाह मत करिए। अपने जीवन के मूल्य को आपका जीवन सिगरेट और तम्बाकू के लिए नहीं है आपका जीवन सिगरेट और तम्बाकू के लिए नहीं। यदि आप पीते हैं तो अपने बच्चे को कभी नहीं सुधार सकते हैं याद रखिएगा। शराब पीना सिगरेट पीना मतलब अपने जीवन के मूल्य और शक्ति और सामर्थ्य सब कुछ को तबाह कर देना। आपका समय बर्बाद होता है आपका शरीर बर्बाद होता है आपका धन बर्बाद होता है और इतना ही नहीं आपका स्वभाव खराब होता है और इतना ही नहीं आपके जीवन के साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। माफ करिएगा आपने यदि बच्चा पैदा किया है तो बाप बनने की अहमियत रखिएगा। बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ मैं। आप बच्चे पैदा कर लिए माताएं अपने बच्चे पैदा कर लिए तो माँ बनने की अहमियत रखिए वो संस्कार दीजिए वो योग्यता पैदा योग्यता दीजिए बच्चों की आपको सम्मान के साथ माँ कह सके आपको सम्मान के साथ पिता कह सके। पैदा पसंद करिए उनको योग्यता दीजिए आपने अंदर योग्यता पैदा करिए बाप कहलाने लायक बनिए। अपने ही बच्चों के सामने आप ना झुक जाइए अपने ही बच्चों के सामने ऐसा कर्म मत करिए कि आपको अपना ही सिर झुकाना पड़ जाए आपको अपना ही सिर झुकाना पड़ जाए। बंधुओं अपने जीवन के मूल्य को अपने जीवन को मूल्य अपने जीवन को तराशिए। आप जितना ही अपने जीवन को तराशते हैं उतना ही आपके जीवन का मूल्य बढ़ता चला जाता है। इस पर तो उदाहरण है हमारा सूरत में आश्रम है गुजरात का सूरत पड़ता है वो आश्रम है। सूरत में हीरे के व्यापारी बहुत से लोग भक्त है तो हीरे लेकर के आश्रम में कभी कभी आते हैं इतना इतना हीरा करके आते हैं कहते हैं साहब जी इतना हीरा इतने करोड़ रुपए का बनता है हीरे के व्यापारी तो कहते हैं हीरा व्यापार में पूछा हीरा व्यापार क्या होता है तो कहते हैं साहब सबसे ज्यादा हीरा बेचा जाता है तो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को लेकिन हीरे का कीमत तराशने के बाद में 10 गुना बढ़ जाता है। उन्होंने बताया हीरे की कीमत तराशने के बाद में 10 गुना बढ़ जाता है। हीरे पहले आप देखेंगे
तो एक कंकड़ की तरह दिखाई देता है। उन्होंने दिखाया एक कंकड़ की तरह दिखाई देता है, चमकीला पत्थर की तरह दिखता है हीरा, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है तब तराशे वाले हीरे को दिखाया उन्होंने, वो बस 56 पहर उसका बना हुआ था और 56 पहर चमकदार था। 56 पहर हीरे का 56 पहर होता है, उसको खंड से मारो तो नहीं टूटता है, न्याय में फंस जाएगा लेकिन टूटता नहीं। हीरे की खासियत है आप हीरे की तरह बनिए, आपको हीरा बनना है। आप अपने कर्मों में कभी ऐसा कर्म मत, ऐसे कर्म मत करिए कि आप टूट जाए, बिखर जाए, आपके घर के लोग आपसे दूर चले जाए, आपके घर के लोग आपसे दूर चले जाए, आपके बच्चे आपसे दूर चले जाए, आपके माँ बाप आपसे दूर चले जाए, आपके पड़ोसी आपसे बात ना करना चाहे। आप हीरे की तरह मजबूत बनिए। जब हीरे को तराशने के बाद उन्होंने बताया कि शायद जी हीरे को तराशने के बाद में हीरे का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को तराश देते हैं, तराशने के बाद में आपका जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है, आपका लेवल स्तर बढ़ जाता है। और वही काम किसने किया था पता है? वही काम सतगुरु कबीर ने किया, वही काम महात्मा बुद्ध ने किया, वही काम महावीर स्वामी ने किया, वही काम रामकृष्ण ने किया, वही काम कृष्ण ने किया, वही काम ईसा मोहम्मद ने किया, सबने वही काम किया। उसकी बदौलत आज इस दुनिया में नहीं है, पर भी वो पूजे जा रहे हैं, पर भी वो पूजे जा रहे हैं। आपकी पूजनी बनाई अपने जीवन में, क्यों शिकायत करते हैं अपने जीवन से? आप कितना सुंदर अवसर मिला है हमको, कितना सुंदर अवसर मिला है जीवन को संवारने का, कितना ही अच्छा हम जीवन को बना सकते हैं, आज ही अवसर है। आप अपनी शक्ति को जितना लगाते हैं, जितना केंद्रित करते जाते हैं, उतने ही आप अच्छे बनते चले जाते हैं। उदाहरण बताऊं मैं, ये जो आपके घर में बिजली धारा प्रवाहित होती है उसमें 220 वोल्ट से 240 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आप सबको पता है। 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 240 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उस बिजली के तार में यदि हमने 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो 0 वाट का बल्ब कम प्रकाशित करता है, सबको पता है। 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कम प्रकाशित करता है, यदि इसमें 10 वाट का बल्ब लगाते हैं तो ज्यादा प्रकाशित करता है, 20 लगाते हैं तो और ज्यादा, 100 लगाते हैं तो और ज्यादा, और 5 वाट लगाते हैं तो और बढ़ जाता है, और 1000 वाट लगा देते हैं तो और ज्यादा चकाचौंध हो जाता है। ये बिजली ए विद्युत धारा 240 वाट प्रवाहित है, लेकिन जैसे जैसे उसमें पर्व बदलते जाते हैं, जैसे जैसे पर्व बदलते जाते हैं वैसे प्रकाशित होता चला जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन, वही 24 घंटा हम सबको मिला है, वही 24 घंटा आपको मिला है, वही 24 घंटा बुद्ध को, कबीर को, महावीर को, ईसा को, मोहम्मद को मिला था, वही 24 घंटा हर व्यक्ति के लिए मिला है। जैसे विद्युत धारा उसमें 240 वाट प्रवाहित है वैसे ही वही दुनिया सबके लिए है, वही दुनिया हमारे लिए है, बस अंतर इतना हो जाता है कि उसमें पर्व क्या लगा रहे हैं, उसमें शक्ति कितनी लगा रहे हैं, हम अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हैं। अच्छी ओर लगाते हैं तो ज्यादा प्रकाश का पूज्य बनते हैं, हम खुद प्रकाशित होते हैं, खुद प्रकाशित होते हैं, औरों का औरों के लिए प्रकाशमय बन जाते हैं, औरों के लिए प्रकाशमय। जीवन को अंधियारमय बन रहे हैं, जीवन को सुंदर बन रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जीवन के मूल्य को आंकिए आप, अपने जीवन के मूल्य को जितना ऊपर उठाते जाएंगे उतना आप जरूर जीवन के मूल्य को आंकते हैं, कहां पर आंकते हैं ये भी बता देता हूं। आप अपने जीवन को समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और बहुत अच्छा जगह आंकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पर भूल जाते हैं। आप अपने जीवन के 90% शक्ति को और ध्यान दें इस बातों को, आप अपने जीवन के 90% शक्ति को आप किसमें लगाते हैं? धन इकट्ठा करने में, द्रव्य इकट्ठा करने में पूरे जीवन की शक्ति को लगा देते हैं, और आपको बदौलत वो चीज मिलता है। आप सब सोचिएगा, आपके घरों में पहले छोटा जगह था, बड़ा जगह हो गया, जमीन कम था, जमीन बढ़ गया, पैसा कम था, पैसा बढ़ गया, आपने अपने जीवन की शक्ति को 90% शक्ति को आपने लगा दिया संपत्ति कमाने में, और संपत्ति कमाया। सौभाग्य की बात ही बताऊं कि आपने अपना तो शक्ति लगाया, सांस सांस जैसे ही आपके घर में बच्चा पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होते ही आपके मस्तिष्क में पूछता है बच्चा अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पोस्ट पर जाए, अच्छे पैसा कमाए, और वो चीज आप बच्चे को करवाते हैं। आपके बच्चे लाख लाख रुपए कमाते हैं, पैसे कमी नहीं,
लाख लाख रुपए कमाते हैं आपने वो चीज बच्चे को दिया है, आपने वो शक्ति दी है बच्चे को कि तुम अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, जितना पैसा लगेगा मैं तुमको पैसा दूंगा, घर से गए घर घर जाकर के मामा पर तुमको पैसा दूंगा और अच्छे पोस्ट पर जाओ, आपके बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। लेकिन आपने बच्चे को क्या बनाया, सिर्फ बच्चे को पैसा पैसा कमाने की फैक्ट्री, पैसा बनाने की फैक्ट्री बनाया आपने, सिर्फ अपने बच्चे को पैसा बनाने का फैक्ट्री बनाया आपने। और आपके बच्चे पैसा खूब छाप रहे हैं, खूब छाप रहे हैं, आपके पास पैसा की कमी नहीं है। अब आप कहते हैं बेटा आ जाओ घर में, कुछ फंक्शन हो जाए, मेरा तबीयत खराब है, मुझसे मिलने आ जाओ। आपके बेटे कहते हैं पापा जी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं। एक जुनून सवार हो गया बच्चे को, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जैसे 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 वो मुझे पैसा कमाना है, जुनून सवार हो गया वो पैसा कमाना है, क्योंकि आपने शक्ति दिया है। क्या आप आकलन करिए, सारे लोग बैठे हैं, माताएं सभी लोग बैठे हैं, क्या आप बैठ करके आपके जीवन में से कभी एक घंटा बैठ करके बच्चों को समझाया था बेटा जी जीवन का महत्व पैसा कमाना नहीं है, जीवन का महत्व पढ़ाई लिखाई नहीं है, जीवन का महत्व है आदमी है तो आदमीयत होना चाहिए, जीवन का महत्व है बड़ों को सम्मान देना चाहिए, जीवन का महत्व है अपने जीवन में स्वाभाविकता, वो अपने जीवन को सादाचार सादाचरण रहना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। क्या आपने कभी बैठ के अपने बच्चों को समझाया है? नहीं समझाया है। कभी बैठ करके जीवन जीने की कला अपने बच्चे को बताया है? नहीं बता पाया है। पैसे कैसे कमाना है ये कला आपने बताया है, पढ़ाई लिखाई कैसे करना है ये सारे चीज बताए हैं, इसके लिए भी पूरा सरकार ठेका ले चुकी है, आप क्यों ठेका लेते हैं इसके लिए? मैं इसके मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे को मत पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ कि सबके बच्चे पढ़े, अच्छे पोस्ट पर पढ़ जाए, अच्छा पैसा कमाए, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने बच्चे को जीवन जीने की कला सिखाइए, बच्चे को जीवन जीने की कला सिखाइए। आप अपने बच्चे को, अपने बच्चे को गाड़ी दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, कार दे देते हैं, तो बच्चे कुछ दिन खुश होते हैं, कुछ दिन खुश होते हैं, कुछ दिन खुश होते हैं, लेकिन जीवन भर होते हैं, लेकिन जीवन भर होते हैं। और इसकी बदौलत आप बच्चे को गाड़ी नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, कार नहीं देते हैं, तो बच्चे कुछ दिन रोते हैं, और इसकी बदौलत आप बच्चे को संस्कार देते हैं तो जीवन भर बच्चे मुस्कुराते हैं, जीवन भर बच्चे मुस्कुराते हैं। आप क्या देना चाहते हैं? आपकी बुढ़ापे की लाठी है आपके बच्चे, आप बच्चे को संस्कार दीजिए, और संस्कार देने से पहले आप सबको सुधरना होगा, शुरुआत खानपान से, शुरुआत खानपान से, उसके बाद में बोलने से। कल अवसर रहा तो इसके बारे में बोलूंगा, संयम क्या चीज होता है जीवन में, संयम की परिभाषा क्या है, समय रहा तो आपका खान पान शुरुआत है, आपके जीवन स्तर को उठाने का शुरुआत खान पान, इसे तामसी भोजन मत करिए। गुरुदेव जी कहा करते थे सादा भोजन हो, सुपाच्य भोजन हो, हल्का भोजन हो, सबके अभ्यास है बार बार खाते थे, बार बार खाते थे। लेकिन ये आपके यूपी, ये एमपी में, यूपी में ये तामसी भोजन बहुत चलता है और सिस्टम चल चुका है, मसाला तेल भुना छना बहुत ज्यादा रहता है। माफ करिएगा, नहीं कहना चाहता हूँ, ये सब घर की परंपरा है। हमने वाय पहले दिन भोजन किए तो हम लोग बहुत अटपट सा लग रहा था, कहे हम लोग तो इसमें तबियत खराब हो जाएगी, और वास्तव में ये भोजन आपका भोजन नहीं है, वास्तव में भोजन आपका भोजन नहीं है, सिंपल भोजन होना चाहिए, ज्यादा तला हुआ भुना हुआ, ज्यादा मसाला हो, ज्यादा छौंका हुआ भोजन आपका भोजन नहीं है। ये आप भोजन सात्विक करते हैं तो आपका विचार सात्विक होगा, आप तामसिक भोजन करते हैं तो तामसिक विचार होगा, जीवन का क्रम यहीं से बदलता है। आप सिंपल भोजन करिए। आप गुरुदेव जी कहा करते थे यदि पैसा है तो रोटी सब्जी खाओ, पैसा नहीं है तो रोटी रोटी बस खाओ, पैसा है तो रोटी में घी लगा लो, चुपड़ी घी चुपड़ी रोटी खाओ, पैसा नहीं तो सादा रोटी खा लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जीवन मिला है तब क्या हो जाए पियो, लेकिन खूब लोगों से पैसा मांग करके पियो, लेकिन पियो पियो अपने जीवन को तबाह करो, कर लो जितना तबाह करना है। आप अपने जीवन को आंकिए, जीवन को सुंदर बनाइए, जब तक आपका जीवन सुंदर नहीं बनेगा तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इन चीजों को ध्यान दीजिए। पैसे से सुख नहीं मिलता याद रखिएगा, पैसे से थोड़े से शारीरिक सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता ना तो बड़े बड़े लोग
बड़े बड़े लोग पैसा से सुख मिलता तो पैसा से सुख को खरीद करके अपने गुलामों में भर देते हैं, पैसा से सुख को खरीद करके अपने गुलामों में भर देते हैं। एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया देकर के एक दुकान में जाता है, 1 करोड़ रुपया की इस भारत देश के राजधानी दिल्ली में चला जाता है और दिल्ली में जाकर के बड़े बड़े दुकान में जाते हैं और बड़े बड़े दुकान में जाकर के दुकानदार से कहते हैं, भैया मुझे 1 करोड़ दे दो, तुमको मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। व्यक्ति एक दुकान से दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान जाता चला जाता है। जिस दुकान से निकलता दुकानदार कहते हैं, व्यक्ति कहीं पागल तो नहीं हो गया है, पैसा से सुख खरीदना चाहते हैं, सारे के सारे पागल हम सब पागल हैं, पैसा से सुख चाहते हैं, नहीं मिलेगा, याद रखना पैसा से सुख नहीं मिलेगा। शारीरिक सुख मिल सकती है लेकिन शांति नहीं मिल सकता है। पैसा का सदुपयोग करिए, आपके पास पैसा है तो सदुपयोग करिए, तामस बाजी में इधर उधर में नाच नौटंकी में पैसा को तमाम मत करिए, नाच नौटंकी में पैसा को तमाम मत करिए, भागवत कथा में यज्ञ में पैसा को मत फूट दीजिए आप, वहां बिजनेस चलता है। धार्मिकों से मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ये बिजनेस चलता है। जैसे ही आप भागवत कराना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, सबसे पहले भागवत कर्ता आपसे पैसा का डिमांड करते हैं, इतने 1000 रुपए दोगे तब मैं तुम्हारी कथा में जाऊंगा, उसी समय वो व्यक्ति बिजनेस बिजनेस मैन बन जाता है, धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता है। मैं कल भी इस विषय में कहा था, जो आदमी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा वो क्या धार्मिकता के बारे में बताएगा? जो आदमी के अंदर खुद धार्मिकता नहीं है, खुद धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो पैसा के लिए क्या गति में बैठा है, वो क्या लोगों को सत्मार्ग बता सकता है? मैं ऐसे बहुत से कथावाचकों को जानता हूँ, बहुत से ऐसा कथावाचकों को जानता हूँ जो मंच में बैठ करके बड़ी भाषण देते हैं, लक्ष्यकार भाषण देते हैं, लेकिन जीवन में आचरण में कुछ भी नहीं रहता, खोखा का खोखा रहता। बहुत से ऐसे साधुओं को जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे साधुओं को जानता हूँ जो लोगों से लिफाफा तो जरूर लेते हैं लेकिन उसको करते क्या है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस पैसा उड़े जाकर के घर में देते हैं। साधु के नाम पर कलंक मत बनिए, अपने जीवन को तबाह मत करिए। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, किसी को बुरा लग रही हो तो, लेकिन साधु है तो साधु का जीवन होना चाहिए, साधु का जीवन होना चाहिए। जो समाज में पैसा मिलता है वो समाज में उपयोग होना चाहिए, सही जगह उपयोग होना चाहिए। और आप लोग भी ऐसे लोगों से जुड़िए जो सत्मार्ग में चलते हो, सही रास्ता बताते हो, नाच नौटंकी नहीं करते हो, अपने जीवन को तबाह ना करते हो। जो खुद के जीवन में आचरण नहीं है, खुद के जीवन में अनुकरणीय नहीं है, जीवन का लेवल स्तर नीचे गिरा हुआ है, क्या आपके जीवन के लेवल स्तर को ऊपर उठा सकता है? वो व्यक्ति नहीं उठा सकता है, कभी नहीं उठा सकता, आपके जीवन लेवल स्तर नहीं उठा सकते। अपना लेवल खुद उठाए पहले, उसके बाद ही। आज धार्मिकों में सबसे बोलबाला चल रहा है, धार्मिक व्यास गति में बैठ करके झूठ बोलते हैं, 1 घंटा भोजन बनाया गया, 1000 लोगों को बोलने के बाद ही बच गया, बोले की दम गहरी लाल की, सब लोग जय बुलाते हैं, सब लोग जय बुलाते हैं, कथा वचा कर रहे हैं, ये धार्मिकों का जीवन, ये झूठ। एक कथा में चलता है, लोगों को रोमांस लगता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कानों का रोमांस, आंखों का बस थोड़ा देर के लिए है कथा में बैठ करके, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। इन चीजों को ध्यान दीजिए, बहुत बेशकीमती जीवन है आपका, बहुत बेशकीमती जीवन है। प्यार प्रेम प्रेम गली अति शाम के लिए जामे दो न समाए, दो नहीं समा सकता है प्यार प्रेम, और प्रेम और अहंकार दो नहीं हो सकता है, शत्रु कभी कहते हैं, प्रेम और अहंकार नहीं हो सकता है। प्रेम चाहते हैं तो अहंकार को त्याग दीजिए, प्रेम चाहते हैं तो अहंकार को त्याग दीजिए, और आपके घर प्रेम की स्थापना हो, आपके घर प्रेम की स्थापना, प्रेम की बदौलत ही घर घर बनता है, प्रेम के बदौलत घर मकान से घर बनता है, घर से मंदिर बन जाता है, प्रेम के बदौलत, प्रेम के ही बदौलत राष्ट्र राष्ट्र बनता है, प्रेम के बदौलत एक दूसरे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम के अभाव में सब टूटता और बिखरता चला जाता है, प्रेम के अभाव में राष्ट्र राष्ट्र टूटता चला जा रहा है, प्रेम के अभाव में भाई और भाई टूटते चले जा रहे हैं, प्रेम के अभाव में पड़ोसी और पड़ोसी नहीं मिल पाते हैं, प्रेम के अभाव में घर टूट करके बिखर जाता है। कल ही मैंने चीज कहा था, प्रेम के अभाव में, प्रेम के अभाव में समाज झुकता चला, प्रेम के अभाव में समाज झुकता चला जा रहा है, और जहाँ प्रेम है वहाँ समाज झुकता चला जा रहा है। कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद जहाँ 60 से 70% रहते सद्गुरु व्यास के समय, उनको उनके जीवन काल में 60-70 संत हो चुके,
उन्हीं की स्थापना उनके देखते देखते समाज स्थापना हुई और 60-70 लोग आना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रेम के बदौलत, प्रेम के बदौलत। किसी को बुलाते नहीं थे, हमको बुलाया नहीं था, सब लोग नाच रहे थे, बस प्रेम के बदौलत। तो है क्या ऐसा चीज मिलता था जिसको पाकर के हाथ में मगन मगन हो जाता था, वो चीज मिलता था। आज आदमी हकीकत को नहीं समझ पाता है, प्रेम के अभाव में टूटता जा रहा है। आप देखेंगे घर कैसे टूटता है, कभी बताया था घर टूटता है प्रेम के अभाव में। जब भाई और भाई में प्रेम नहीं होता है तो घर टूट करके बिखर जाता है। जब देवान और जेठान में प्रेम नहीं होता है तो घर टूट करके बिखर जाता है। बहुत से घर टूटते और बिखरते देखा गया है। आप अपने जीवन के मूल्य को बढ़ाइए। मैं बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूँ, आपको देख करके लोग सम्मान करते हैं, आपको देख करके लोग सिर झुकाते हैं। क्या आप उस लायक है कि नहीं है? और नहीं है तो बनिए, वैसे वैसे बनिए। आदमी आदमी है, आदमी से प्रेम करना सीखिए। आदमी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। आदमी ही की महानता है, जो कुछ भी हो रहा है आदमी के बदौलत हो रहा है इस दुनिया में। और किसी भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, आप भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। भगवान कुछ नहीं है, आदमी ही भगवान है। आदमी से बढ़कर के भगवान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी चीज मैं चैलेंज करता हूँ, यदि वो चाहते हैं कि इस दुनिया में जंतर मंतर तंत्र मंत्र फूल झाड़ जादू टोना कुछ भी है तो मेरे ऊपर जो कुछ करना चाहे कर ले, मैं लिखित दे सकता हूँ। तंत्र मंत्र के बल पर मुझे कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं किसी पर अपेक्षा नहीं करूंगा, नहीं कहीं चेक करवाऊंगा, बस मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, बस कोई तंत्र मंत्र वाले पास नहीं जाऊंगा, अपना इलाज कराने की तबियत खराब होगा, जो कुछ होगा मेरे पास डाल दें, कोई महंगा आएगा होगा तो आपके घर में गाँव में ये जादू प्रेम देव टोना कुछ भी होगा मेरे साथ कह दीजिए, आप लोग गंगा में ठंडा कर लेंगे उसको। कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। आप लोग कभी मत डरिए। हम लोग कभी कभी रास्ते चलते रहते हैं गाड़ी से, तो रास्ते चलते रहते हैं तो सामने गाड़ी है, तो जैसे ही गिल्ली क्रॉस करती है सामने वाला रुक जाता है, मुझे देख के हंसी आती है, मैं बगल से निकल जाता हूँ। भैया गिल्ली के रास्ता काटने से आपके जीवन कुछ नहीं होगा, आप सावधान, आप सावधान। आपकी सोच बता रहे थे, आपकी सोच ही आपको महान बनाता है, आपकी सोच आपको महान बनाता है। आप अपनी सोच को अच्छा रखिए। किसी की कुछ करने से किसी को आप आरोपित मत करिए। किसी की वजह से आप दुख नहीं होते हैं, चीज याद रखिएगा, किसी की वजह से आप दुखी नहीं होते हैं, आप अपने कर्मों की वजह से दुखी होते हैं। आप अपने कर्मों की वजह से अपना कर्म खराब होता है तो दुखी होते हैं। आप पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो जिस मूल्यांकन करते हैं कि ये इतने अच्छे हैं, उसमें आप खरा उतरिए, आप खरा उतरिए। माताओं से निवेदन है कि आप अपने जीवन को सुंदर और संवारिए। आप अपने घर में प्रेम का माहौल बनाइए, प्रेम का माहौल। अपने घर को स्वर्ग का द्वार बनाइए। आपके घर में कभी कोलाहल मत हो, कभी तुतुमय मत हो, कभी एक दूसरे की शिकायत मत हो। आपके घर में कोई बहू आती है उनको बहू नहीं बेटी की तरह प्यार दीजिए, आपका घर स्वर्ग बनेगा, आपका घर स्वर्ग बनेगा। भाइयों से निवेदन है कि आपके लिए कोई लड़की आती है, कोई बेटी बहू आती है बेटी बहू बन के, तो आप उनको घर में आपको देख करके देते हैं, आप पर विश्वास करके देते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं। जिस घर में आप जाते हैं बेटी मांगने के लिए, उस घर में आपको मूल्यांकन किया जाता है, बहुत अच्छे दवान मिल रहे हैं। और मूल्यांकन करने के बाद में अपने साथ रखी 25 साल की लड़की को आपके साथ भेज देते हैं। आपके घर में आप बहू बना करके लाते हैं, पत्नी बना करके लाते हैं, उसको प्यार से रखिए, किसी भी तरह से उनको तकलीफ मत दीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिएगा। यदि आप उनसे लड़ते हैं तो आपका मूल्यांकन क्या होगा? बहू के साथ लड़ते हैं तो लड़ने वाले ही कहलाएंगे, लड़ने वाले ही कहलाएंगे। पत्नी के साथ लड़ते हैं तो क्या हुआ भाई, पत्नी के साथ लड़ने वाले कहलाएंगे। क्या आप उसी लिए लाए थे पत्नी को? क्या उसी लिए अपने बहू को लाते हैं? इसलिए बहुओं से निवेदन है कि आप किसी के घर में बहू बन के जाती है तो बहू बन के रहे, बहू बनने की अहमियत पैदा करिए अपने अंदर। अपने घर को सजाइए, अपने घर को संवारिए, अपने घर में इतना सुंदर वातावरण लाइए कि घर कोई भी व्यक्ति जाए तो बता सके वास्तव में व्यक्ति हमारे घर में बहू नहीं, बहू रानी बेटी आई है, हमारे बेटी आई है। मैंने अपनी बात शुरू किया, मूल्यांकन करिए अपने जीवन।
इसके प्रत्येक उदाहरण में आपको दे रहा हूं, यदि कोई भगवान होता, यदि कोई भगवान होता तो पूरे विश्व में कोरोना महामारी से तबाह, पूरे विश्व कोरोना महामारी से तबाह है। कोई भगवान होता तो बचा लेता, लेकिन हकीकत में कोई भगवान नहीं है। है भगवान तो आदमी ही है, डॉक्टर नर्स वही भगवान हम सबको बचाए, वही भगवान है। सारे भगवान के दरवाजे तो बंद हो गए, और जितने भगवान बैठा रखे हैं, मैं पूरे शब्दों में कहता हूँ, सिर्फ वहाँ बिजली चलता है। परसों तिरुपति बालाजी मंदिर में रेड पड़ी, 16 पुजारियां हैं, 16 पुजारियों के यहाँ रेड पड़ी, परसों की बात है, रेड पड़ी, इनकम टैक्स विभाग रेड मारा तो वहाँ 158 करोड़ रुपया नकद मिला है, 128 किलो सोना मिला है, 58 किलो हीरा मिला है। एक पुजारी के हाल ये हाल है, क्या बिजनेस नहीं तो क्या है? ऐसे धार्मिक लोगों से आपको बच करके रहिए। ये धार्मिक जितने भी मंदिर बना करके रखे हैं सब दोगले के धंधे हैं, सब दोगला धंधा है। जो आदमी हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है वो बस मंदिर बना करके बैठ देता है, उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। सोच सकते हैं 16 पुजारियों में एक पुजारी के यहाँ इनकम टैक्स ने रेड मारी तो 158 करोड़ रुपया मिला है, 158 करोड़ रुपये, 128 किलो सोना, 58 किलो हीरा एक व्यक्ति के यहाँ। भगवान क्या है? भगवान अगर भगवान होता तो माफ नहीं कर देता। मैं बात सही कह रहा हूँ, आप पेपर न्यूज डाउनलोड करके देख सकते हैं परसों का। ये हाल है, भगवान है तो वहाँ है, कोई भगवान नहीं है, इंसान ही भगवान है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, मैं आप अपने घर के सदस्यों को भगवान का रूप देखिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि वास्तव में अब हमारा घर स्वर्ग का द्वार बन चुका है। और यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास पैसा है तो सही जगह लगाइए, गरीबों को दीजिए, अनाथों को दीजिए, आश्रमों में सहयोग करिए, लेकिन ऐसे आश्रमों में सहयोग करिए जहाँ सही उपयोग होता हो। यज्ञ के नाम पर, पूजन के नाम पर, हवन के नाम पर पैसा को फूंक दिए जाते हैं, मेहमान स्थान में फूंक दिए जाते हैं, वैसे जगह पर आप पैसा बर्बाद मत करिए। आप वैसे जगह अपना पैसा बर्बाद मत करिए, आप गरीबों को अपाहिजों को दीजिए। और अपने इस ऐसे ही विचारों को जुड़ने के लिए आप अपने संतों को, नजदीकी अच्छे विचारकों को बुलाइए जो डिमांड नहीं करते हैं। अच्छे विचारक डिमांड नहीं करते हैं, याद रखिएगा, अच्छे विचारक डिमांड नहीं करते हैं। उन लोगों को बुलाइए, अच्छे विचारकों को, अच्छे संतों को बुलाइए। और जो कर्मकांड नहीं, कर्मकांड के नाम पर पाखंड नहीं करते हैं, कर्मकांड अलग चीज है लेकिन पाखंड नहीं करते। और एकदम साफ साफ कहूँ तो 12 सिद्धांत और कबीर पंथ कहते हैं कि कर्म कांड है, बैठी हूँ कब कर्म कांड है बता देता हूँ। कर्म कांड तब नहीं और कर्म कांड कब तब है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जीवन के लेवल स्तर को ऊपर उठाने का, अध्यात्म जीवन में जुड़ने का, अपने जीवन के मूल्य को आंकने का, ये चीज हम सबके सब करते हैं, सबके सब करते हैं, अपना सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं, अपना सुंदर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो हम सबके सब सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और जो मैं सारी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो जीवन में नहीं जीता हूँ, और मैं आप सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, तो सबके सब कर्म कांडी बैठे हैं हम, एकदम साफ शब्दों में सबके सब कर्म कांडी है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ सिर्फ कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, मैं जीवन में आचरण नहीं करता हूँ, बोलता जाता हूँ, तो हम सारे के सारे कर्म कांडी है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कर्म कांडी और सत्संग और कर्म कांडी में अंतर जान लीजिए, आप आदमी हैं, अपने जीवन के मूल्य को आगे, जीवन को सुंदर बनाए, बहुत बेहतरीन जीवन है। इसलिए मैंने कहा बीच बीच में संतों को बुलाइए। आप अभी हम लोग छत्तीसगढ़ से आए, छत्तीसगढ़ में हम लोग कहीं ना कहीं 2-3 दिन में कहीं ना कहीं किसी के यहाँ बर्थडे प्रोग्राम है, किसी के यहाँ आशीर्वाद समारोह है, किसी के यहाँ गृह प्रवेश है, किसी के यहाँ पिताजी खत्म हो गए तो मृत्यु है, तो मृत्यु है तो शांति पाठ, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम लोग जाते ही रहते हैं। एक सिर्फ बहाना है, पिताजी खत्म हो गए तो संतों को बुलाना है बहाना है, गृह प्रवेश है तो संतों को बुलाना बहाना है, घर में बच्चे का बर्थडे है तो संतों को बुलाना बहाना है। इसकी बदौलत बहुत सारा चीज मिलता है, इसकी बदौलत बहुत सारा चीज, आपका धन तो खर्चा होता है लेकिन इसकी बदौलत बहुत कुछ मिलता है, लोगों को सही ज्ञान मिलता है। आज मनी सिंह जी ने इतना बढ़िया घर बनाया, पैसा लगाया, लेकिन सत्संग करने की क्या जरूरत है, उनको पैसा तो खर्चा हो रहा है फालतू,
फालतू नहीं हो रहा है, बहुत सार्थक हो रहा है। और सार्थक हो रहा है इसलिए उनके घर के बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए लोनी सिंह जी को बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मेरा बेटा अनुराग राहुल और मेरी बेटी अनुराधा सही मार्ग पर चल रही है, आज उनको खुशी है। इसके बदल जानते हैं उनके दादाजी से वो संस्कार मिला, उनके दादाजी के बाद में श्री भूम सिंह जी से वो संस्कार मिला, उसको उन्होंने लोनी सिंह जी ने विस्तृत रूप दिया। देखिए दादाजी का संस्कार पिता में गया, पिताजी का संस्कार उसके पुत्र में आया और पुत्र का संस्कार उसके पुत्र में जा रहा है। आज उनको खुशी मिल रही है, पैसा खर्चा कर रहे हैं उनके बदौलत उनको खुशी मिल रही है। आप तो कहिए सही मार्ग में सही संतों के साथ मार्गदर्शन, इसलिए संतों को बढ़ाइए, किसी या किसी माध्यम से घर के परिवार के सदस्यों को बुलाइए, अपने बेटियों को बुलाइए, अपने दीदियों को बुलाइए, अपने अपने चाची चाचा को बुलाइए, अपने पड़ोसी को बुलाइए और संतों को बुला करके कोई उत्सव करिए। जीवन जीने की कला क्या होती है जिस पर प्रश्न कीजिए, आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो संतों से प्रश्न करिए, जीवन की सार्थकता क्या होता है इस पर प्रश्न करिए, आपका जीवन महान बन जाएगा, आपका जीवन महान बन जाएगा, आप महान बन जाएंगे और आपको अपने आप में गर्व होगा कि मुझे जैसा जीवन जीना चाहिए था वैसे जीवन में जी रहा हूँ, मेरा जीवन सार्थक है। मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हुआ, समय रहा, कल पुनः फिर आप लोगों से मिलेंगे, इसलिए मैं जो चीज कहा उन चीजों पर ध्यान देंगे और पुनः बात कराने जा रहा हूँ कि आप लोग अपने घर में कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहिए, कोई ना कोई प्रोग्राम संतों को बुला कर दिया बीच बीच में, मैं बताया बहाना क्या होता है, इसी पर बहाना होता है बर्थडे प्रोग्राम, सगाई प्रोग्राम, मृत्यु का प्रोग्राम, प्रिय प्रवेश, लेकिन उसके बदौलत संतों के संग रहना, संतों का विचार सुनना जीवन में जीने की कला सबसे बेहतरीन कला है, जीवन जीने की कला, इसके बढ़कर की कला इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है, सारी कला व्यर्थ है जीवन जीने की कला के सामने, सारी कला बेकार चली जाती है अगर जीवन जीने की कला सही नहीं है तो। इसलिए जीवन जीने की कला अपने जीवन के मूल्य को आप आगे अपने जीवन के लेवल स्तर को ऊपर करिए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की।